Yes, hello, everyone. Good afternoon, all of you. Yes, am audible. <coughs> yes, please reply in the chat box. I'm audible, everyone. सो so, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं दैट इज़ ऑल एन्वायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड कैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है एन्वायरमेंट रिलेटेड वो आज आज हम सब कवर करेंगे एंड uh, uh, क्या ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो यस yes, बिल्कुल क्योंकि ऐसे जो हम ऑर्गेनाइजेशन आज कुछ देखने वाले तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक देखे गए हैं और वो भी हम उसके साथ कवर करेंगे सो so दैट आपको कुछ आइडिया आएगा कि यूपीएससी uh, exactly एग्जैक्टली इस एरिया पे कैसे टारगेट कर रही है ओके okay? सो so, ये मीन वाइल हम जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आज कवर करेंगे यूपीएससी के प्रीवियसर क्वेश्चन राइट तो बहुत ही कॉम्प्रेंसिव सेशन आज का होने वाला है तो एंड uh, तक सभी जरूर बने रहे सो so दैट हम पूरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक रैपिड कवरेज करेंगे एंड बहुत डिटेल नहीं बट रैपिड जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही फास्ट पिकअप करते हैं न्यूज़ को एंड टॉपिक्स को एंड फिर आगे बढ़ते हैं राइट right? चलो यस yes, एंड ये प्रीलिम्स आने वाले प्रीलिम्स के लिए ही मैंने ज्यादातर टारगेट किया है क्योंकि यू नो दैट अभी थोड़े ही दिन बचे प्रीलिम्स के लिए और कभी कभी हम ऑर्गेनाइजेशन पर उस उतना टारगेट नहीं करते और शायद उसको साइड लाइन किया जाता है बट अब ये सेशन में या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन uh, हमसे थोड़े से मिस हो जाते हैं right? राइट तो अभी कुछ नहीं होगा ऐसा कंप्लीटली हम एक कवरेज रखेंगे और मैं तो कुछ अप्रोच भी बताऊंगा इन केस अगर कल जाके कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन आपके पढ़ने में आती है तो यू विल गेट टू तो नो दैट कि हाउ टू तो रीड दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड और टू अप टू तो वॉट डेप्थ मतलब कितना डेप्थ तक पढ़ना है ना तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है करें शुरू फिर यस <coughs> yes. तो पहली ऑर्गेनाइजेशन हम इंटरनेशनल देखते हैं और फिर उसके बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑथोरिटीज ये बाद में हम देखेंगे राइट चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डब्ल्यू डब्ल्यू एफ विच इज़ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि 1961 से इस्टेब्लिश है और इसका ओरिजिनल नेम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ही नॉर्मल नाम से है एंड इसका मेन पर्पज़ है कि जो भी नेचर है या ओवरऑल बायोडावर्सिटी जो है उसके कंजर्वेशन करना एंड उसके कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट कैंपेन लॉन्च करना इसका हेडक्वाटर आता है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में एंड इसके अलग कैंपेन्स की अगर बात करें तो डेफ फॉर नेचर स्वैप अर्थ आर हेल्दी ग्रोन मरीन टीवरशिप काउंसिल ऐसे कुछ इसके चार डिफरेंट कैंपेन रिपोर्टली हमने है कि 27, जो एल में की मीटिंग हुई थी तो वहां परिविंग एमेजॉन रिपोर्ट एक रखा गया था एंड उसी तरीके से उनका एक लिविंग तो लिविंग एक वर्ड थोड़ा सा की वर्ड याद रखो जो की डब्ल्यू के जो रिपोर्ट होते हैं उसमें लिविंग एमेज़ॉन लिविंग प्लानट रिपोर्ट लिविंग प्लानट इंडेक्स ऐसा एक ट्रिक आपको याद रखनी है राइट इसके प्रेसिडेंट देखा जाए तो इंडियन है तो इसलिए फिर और भी इम्पोर्टेंस है तो 2018 से लेके आज तक अभी देखोगे तो इसके प्रेसिडेंट जो है तो पवन सुखदेव है राइट तो इंडियन प्रेसिडेंट है इसके तो ये ध्यान में रखें उसके बाद अब देखो यहाँ पे फ्यू प्रायरिटी स्पीसीज इनके कुछ आप देख सकते जैसे बेंगाल हो जैसे बंगाल टाइगर एशियन एलिफेंट देन वन एन राइनोज हो गए गंगा रिवर डॉल्फिन स्नो लेपर्ड रेड पांडा ये उनके कुछ प्रायरिटी एरियाज़ हैं डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के कि जहाँ पर वो स्पीसीज स्पेसिफिक टारगेट करके वहाँ पर कंजर्वेशन करते हैं इट और अभी रिसेंटली देखो इन्होंने एक लिविंग प्लानिट रिपोर्ट भी निकाला है तो इसलिए दो हज़ार बाईस का जो रिपोर्ट है तो वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी ये चीज़ें चल रही जिसमें उन्होंने कहा कि सिक्सटी नाइन परसेंट ऑफ डिक्लाइन इंग द वाइल्ड लाइफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ मैमल हो गए बर्ड्स हो गए है ना इनके पॉपुलेशन में सिक्सटी नाइन परसेंट तक uh, मतलब uh, जो डिक्लाइन है वो दिखा गया है मतलब बायोडासिडी लॉस काफ़ी हद तक होते जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्टिनेंट पर बायोडासीडी लॉस देखा गया है सो दैट इज इन साउथ अमेरिका ओके दैट इज इन साउथ अमेरिका वहाँ पे उन्होंने कहा है कि 94% ऑफ स्पीसीज कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स में लॉस्ट हो चुकी है तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा स्पीसीज कहाँ पे लॉस्ट हुई है तो दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका एज पर द रिसेंट 2022 ट्वेंटी टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट के अनुसार लिविंग प्लानट रिपोर्ट के अनुसार तो इसके बाद सेकेंड नंबर लगता है तो वो अफ्रीका का है थर्ड नंबर पर आएगा फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओके तो इस, इस प्रकार से मतलब ये सदर्न हेमस्पियर के जो भी थोड़े से कंट्रीज दिख रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा लॉसेस देखे जा रहे हैं उसके बाद देखो यहाँ पे इनका एक अर्थ आर नाम से हमने एक इनिशिएटिव देखा कि जो आप जानते हो ना कि अर्थ आर मतलब तो एक पर्टिकुलर जो मार्च का लास्ट सैटरडे होता है उस सैटरडे को साढ़े आठ से साढ़े नौ अपने अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंगली सभी लाइट्स ऑफ करके एक हम बायोडावर्सिटी और एनवायरमेंट को एक ट्रिब्यूट देते हैं राइट तो लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च ओके तो इस डेट को एनी डेट फिर वो कोई भी डेट हो सकती है तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस 23 का मार्च 25 था फिर उसके पहले देखोगे मार्च 23 आया था फिर मार्च 29 आने वाले इसमें तो ये कुछ रहेगा तो इस इसके ऊपर उन्होंने एक थीम भी लॉन्च की थी हेड ऑफ द इवेंट अर्थ आर वॉज रीब्रांडेड एज द बिगेस्ट आर ऑफ़ द अर्थ ओके ऐसा भी उन्होंने कुछ यहाँ पे नेमिंग वगैरह किया था गॉट इट एवरी वन यस लास्ट सैटरडे वो बस याद रखे और डब्ल्यू का इस yes डिफरेंट ये कैंपेंस एक, एक बार देख लेना डेफ फॉर नेचर स्वैप अर्थ आर हेल्दी ग्रोन एंड मरीन टीवरशिप काउंसिल ऑल्सो नाउ देर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस इसका आंसर क्या होगा देखो यस yes, 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे <clears throat> यस yes, क्या होगा इसका आंसर अर्थ आर के बारे में देखो तो so, इसमें आराम से हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं ना yes, यस बिल्कुल क्योंकि अभी तो हमने देखा अर्थ आर किसका इनिशिएटिव है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का तो so, देखा जा रहा है ना कि क्वेश्चन कैसे आ रहे समझ में आया आपको कि अब आप ये इनिशिएटिव किसका अर्थ आर ऊपर ही दिख रहा है आपको डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का इनिशिएटिव है राइट तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे कट कर सकते हैं राइट तो वन अगर कट कर दे सेकेंड so, वैसे भी सही है सेकेंड ऑप्शन थ्री चेक कर लो इट इज अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड टू नीड ऑफ दू सेव द यस डेफिनेटली इट इज करेक्ट सो आंसर विल बी सी मतलब अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं हम बिल्कुल बाइडा क्लाइमेट चेंज हो दोनों के लिए भी सो आंसर विल बी सी टू एंड थ्री समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आ रहा है इन टॉपिक्स पे गुड नेक्स्ट देखो और एक क्वेश्चन है uh, पहले हम आयु देख लेते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी आयु नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आयुसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जिसका हेडक्वार्टर आता है यूके में 1964 वैसे तो 1948 से है बट रेड लिस्ट जो कंसेप्ट है इसकी वो बाद में स्टार्ट हुई थी जहां पे हम देखते ना कि डिफरेंट एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक्सट्रीन स्पीसीज एक्सेट्रा जो स्टार्ट किया गया था रेड लिस्ट कंसेप्ट वो बाद में स्टार्ट की गई थी बट ये जो IUCN सेटल हुआ है तो वो 1948 से है इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आता है एंड ये फील्ड ऑपरेशंस भी रन करता है फिर ओवरऑल चेक करते हैं कि कहाँ पे कितने स्पीसीज बचे हैं और डिफरेंट नेशंस के जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए तो उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर ये क्या करते हैं कि अपनी रेड लिस्ट एक जारी करते हैं कि वो स्पीसीज कितनी बच चुकी है राइट right? तो जिसमें टोटल नाइन कैटेगरीज आते हैं आप देख सकते हो ये कुछ चार कैटेगरीज है जिसमें ठीक ठाक नंबर है नॉट इवेलेटेड डेटा डिफिशियन लीज कंसर्न एंड नियर थ्रेटन उसके बाद आप देखोगे तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती है यहाँ पे थ्रेटन कहते हैं जिसको जहाँ पे लॉस अभी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है अराउंड फिफ्टी परसेंट लॉस है तो वलरेबल होगा अराउंड सेवेंटी परसेंट लॉस है तो एंडेंजर्ड है अराउंड नाइन्टी परसेंट लॉस्ट हो चुके हैं तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है राइट या हंड्रेड परसेंट वाइल्ड लाइफ अगर लॉस्ट हो चुकी है तो देन एक्सटिंग इन द वाइल्ड उसके बाद अगर वो स्पीसीज कहीं पे भी नहीं दिखने को मिलेगी तो कंप्लीटली हंड्रेड परसेंट एक्सटिंक्ट ओके इस एक्सटेंट इन द वाइल्ड लाइफ में केस में क्या होगा कि एटलीस्ट जू वगैरह में लैब्स में वगैरह कहीं ना कहीं मिल जाएंगे बट देखने को ही नहीं मिलेगा मतलब पूरे खत्म हो चुके हैं ऐसे स्पीसीज है बिल्कुल है जो कि हंड्रेड परसेंट हो चुके हैं एक्सटिंट फ्रॉम एवरीवेयर दिस इज द लिस्ट जिसमें डोडो होगा चाइनीस पैडल फिश होगी ग्रेट ऑक होगा टास्पानियन टाइगर ये जो है टास्पानियन टाइगर है देखो ये डोडो वाला फोटो है तो ये सारे जो स्पीसीज दिख रहे हैं आपको तो ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड से ओके देन आफ्टर दैट एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड लाइफ अगर आप देखोगे तो फिर वो वाइल्ड uh, लाइफ में 100% परसेंट लॉस्ट हो चुके हैं ऐसे कुछ स्पीसीज आते हैं बट एटलीस्ट जू वगैरह में कहीं ना कहीं कंजर्वेशन में बट मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इंडिया के मैटर्स में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज देख लो जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आएगा समझ लो घरियाल है राइट right? जो भी और स्पीसीज आपको मिलेगी जैसे पिग्मी हॉक भी आएगा ओके okay? तो इन स्पीसीज की हो सके तो एक लिस्ट बना देना कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है मतलब काफी हद तक इनके लॉसेस हो चुके हैं जैसे यहाँ पे एक पिंक पेज भी आता है सो दैट अब अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कोई है या काफी ज्यादा इंडेंजर्ड हो चुके तो हम उनको पिंक पेज में डालते हैं मतलब आयुसिन के द्वारा और इनको काफ़ी ध्यान दिया जाता है काफ़ी मॉनिटरिंग करके इनके नंबर्स बढ़ाए जाते हैं और अगर अच्छे खासे नंबर बढ़ गए अब उनको कोई थ्रेट नहीं रहा तो उनको ग्रीन पेज में डाला जाता है अंडरस्टूड तो पहले पिंक पेज होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो पिंक पेज होगा अदरवाइज उसका कंजर्वेशन अच्छा हो गया रिकवरी हो गई तो देन उसको ग्रीन पेज में डाला जाता है अंडरस्टूड यहाँ तक क्लियर है सबको कि आई क्या है तो आई सी एन एक काइंड ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी आगे डब्ल्यू आएगा साइट्स आएगा तो उनके बनने में कहीं ना कहीं बड़ा रोल है आयुसीएन का वॉट एवरीवन एवरी वन आयु सी इज क्लियर टू एवरी वन यस नाउ आंसर दिस क्वेश्चन देखो यूपीएससी का 2011 का एक क्वेश्चन है इसी आयु के बेस पे क्या होगा इसका आंसर रेड डेटा बुक पब्लिश बाय द आयु कंजर्वेशन ऑफ नेचर कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ यस क्या होगा इसका आंसर यस एवरीवन फास्ट आंसर इन द चैट बॉक्स लाइव चैट बॉक्स देखो फर्स्ट तो पक्का रॉन्ग होगा क्योंकि एंडेमिक सिर्फ एंडेमिक होने की जरूरत है क्या मतलब वो एनिमल सिर्फ वहाँ पे ही मिलना चाहिए बाहर कहीं नहीं मिलना चाहिए ऐसा कोई कंडीशन अभी तक मैंने बताया कि आपको नहीं सो दैट्स वाई एंडेमिज्म ऐसा यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है हर एक स्पीसीज को हम लिस्टिंग कर सकते हैं आयुषन लिस्टिंग करता है सो दैट्स वाई वन शुड बी रॉन्ग ओके थर्टन प्लांट एंड स्पीसीज एनिमल स्पीसीज यस बिल्कुल है क्योंकि हमने देखा ना थ्रटन लिस्ट देखी जिसमें हमने तीन कैटेगरीज देखे वलरेबल एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो थर्टन लिस्ट मैंशन है यहाँ पे तो बिल्कुल सेकंड इज करेक्ट डेफिनेटली राइट तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट आएगा दैन थर्ड देखो प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इन वेरियस कंट्रीज है ना तो ऐसा कोई पार्ट मैंशन यहाँ पर नहीं है कि मतलब साइट्स को प्रोटेक्ट कंजर्वेशन कर रहे हैं नेचर उसका रिसोर्स वगैरह चेक कर रहे तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं सिंपल सिंपल रखो चीजों को थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज मतलब ये लिस्टिंग में जो भी आपको ये सामने लिस्टिंग दिख रहा है तो इसमें आयुसियन फ्लोरा एंड फोना ओके फ्लोरा एंड फोना दोनों का कैटेगराइजेशन करता है कि किसको किसका थ्रेट है उसके अकॉर्डिंगली उसको वो ब्लॉक्स में डाला जाएगा वो कैटेगरीज में डाला जाएगा राइट right? तो फ्लोरा एंड फोना बोथ हाँ याद रखे फ्लोरा एंड बोथ अंडरस्टूड एवरीवन ओके तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन हमने देखा इसका आंसर होगा फिर टू ओनली इज द करेक्ट दो हजार ग्यारह का था और एक क्वेश्चन देख लो दो हजार पंद्रह में और एक क्वेश्चन आया था आयुसियन रिलेटेड चेकआउट दिस क्या होगा इसका आंसर आयु इज अ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड साइट्स इज एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स तो देखो मैंने कहीं पे भी बताया कि IUCN, IUCN जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है नो इट्स अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल भी यूनाइटेड नेशन का वो पार्ट नहीं है उसका ऑर्गन नहीं है एंड साइड्स भी देखोगे तो वो भी एक इंडिपेंडेंट ही ऑर्गेनाइजेशन है राइट right? तो इसलिए पहला स्टेटमेंट फर्स्ट हाफ में ही रॉन्ग हो जाता है फर्स्ट अगर कट कर दो तो डायरेक्ट आंसर इज टू एंड थ्री सीधा एलिमिनेशन मेथड है देखो आयुसियन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहां पे आपको दिखाया भी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है देखो आप सीधा इसका हेडक्वार्लैंड स्विट्जरलैंड में है तो सीधा आप फर्स्ट स्टेटमेंट को कट कर दो तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा एक ही ऑप्शन है टू एंट्री टू एंड थ्री इज करेक्ट तो साइट्स इज अ लीगली बाइंडिंग यस डेफिनेटली वो आगे हम देखेंगे साइट्स के बारे में तो so, बाकी ये फील्ड प्रोजेक्ट्स रन करते हैं यस रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स मैंने देखो यहाँ पे दिया है आयुसीएन रन फील्ड प्रोजेक्ट्स फॉर हैबिटेट एंड स्पीसीज कंजर्वेशन अराउंड द वर्ल्ड वॉट इट एवरी वन हाँ आयुसीएन का ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस यूनाइटेड नेशन में बट इसका मतलब वो ये नहीं है कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट हो गया वॉट इट क्लियर एवरी वन यस नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं फिर अभी uh, और एक क्वेश्चन है इसी रिलेटेड देख लो इसको ट्राई करो इट्स अबाउट द हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो बायोडाइसिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए कौन से क्राइटेरियाज होते इसमें से जो इंडिया में हिमालय बायोडाइसिटी हॉटस्पॉट है इंडोबर्मा जिसमें पूर्वांचल आता है देन वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका ओके ये एक तीसरा आता है एंड सुंदर जिसमें निकोबार आइलैंड आता है राइट? वैसे चार है हमारे इंडिया में। तो इनको डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया इसमें से कौन सा है yes, होना चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल. का ऐसा कोई नहीं है एंडेमिज्म होता है राइट वहां पे एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए 0.5 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड वेस्कुलर प्लांट्स या 1500 सो okay? ओके जो भी दोनों में से रहेगा वर्ल्ड के 0.5 परसेंट या 1500 स्पीसीज तो एंडेमिजम आ गया एंडेमिक प्लांट उतने होने चाहिए इतना बॉटनिकल इंपॉर्टेंस ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है एंड थ्रेड परसेप्शन यस सेवेंटी परसेंट लॉस्ड भी होने चाहिए सो so देन हम इसको क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं एज अ बाडोसिटी हॉटस्पॉट सो आंसर विल बी वन थ्री फाइव ओके फोर कट करना है एंड टू कट करना है वॉट इट एवरी तो ये इंडिया के थोड़े बायडासीटी हॉटस्पॉट जाते जाते देख लेना बिल्कुल एग्जाम से पहले ओके फर्स्ट हिमालय सेकेंड बर्मा थर्ड वेस्टर्न घाट एंड फोर्थ यस निकोबार आईलैंड ग्रुप फ्रॉम सुंदरलैंड वॉट इट नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ipcc पी सी सी आई पी सी सी पता है सबको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज अब जो कि काफी न्यूज़ में ही रहा है अभी कुछ दिनों से क्योंकि इनका रिपोर्ट सात साल में एक बार आता है वंस इन अ सेवन ईयर जो लास्ट रिपोर्ट आया था इनका 2015 में पेरिस क्लाइमेट एक्शन प्लान या पेरिस यूनिफ ट्रीपल सी में रखा गया था और उसके बाद अभी ये 2021-22 में ग्लासगो एंड शर्मेल शेख के मीटिंग में रखा गया था मतलब लगभग लग सात साल बाद कोई चीज हो रही है तो इट्स इंपॉर्टेंट एंड वैसे भी यूनाइटेड नेशन का ये बॉडी का पार्ट है और यूएन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट ये पैनल है जो साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज चेक करता है इनका खुद का कोई रिपोर्ट होता है क्या नहीं ये एक्चुअली खुद का कोई रिसर्च नहीं करते हैं आईपीसीसी डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च एक्चुअली वो सभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एन के ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं और उसका समराइज करते हैं उनके तीन वर्किंग ग्रुप होते हैं उसमें ये तीन प्रकार के रिपोर्ट निकलते हैं वो आगे हम देखेंगे ठीक है तो ऐसा ये आईपीसीसी एक जनरली हमें क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करता है और ये आईपीसीसी जो एस्टैब्लिश हुआ है दैट इज बाय डब्ल्यूमो एंड यूएनई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन के द्वारा नाइनटीन में यह एस्टैब्लिश हुआ था टू प्रोवाइड पॉलिटिकल लीडर्स with periodic साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज उसकी रिस्क क्या है उसके इम्प्लीकेशन क्या हो गए उसका मिटिगेशन कैसे किया जाए तो इसके रिलेटेड आईपीसी अपना पूरा डेटा प्रोवाइड करता है और ये रिपोर्ट्स सही में बहुत इंपॉर्टेंट होगा राइट और 2007 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था नोबेल प्राइज आल्सो। अभी जो रिपोर्ट चल रहा है तो वो सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट है कुछ पहले भी ऐसे कुछ रिपोर्ट आए थे कि जैसे स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड चेंजिंग क्लाइमेट एक्सेट्रा है ना ऐसे छोटे छोटे रिपोर्ट भी इनके निकलते रहते हैं वो भी मैंने सामने दी आपको बट अभी के लिए तो एक ही इंपॉर्टेंट याद रखो ए आर सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट सिक्स है कि जो क्लाइमेट चेंज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मार्च में अभी कुछ एक आया था सिंथेसिस रिपोर्ट नाम से बट अभी जो भी चल रहा है इक्कीस बाईस से आप देख रहे हो या तेईस तक अभी आपको एक ही रिपोर्ट दिखेगा सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट उसके भी तीन पार्ट है पहला पार्ट है फिजिकल साइंस बेसिस सेकेंड पार्ट उसका आएगा इंपैक्ट एडाप्शन एंड वेलबिलिटी तीसरा पार्ट आएगा इनका मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज तो मतलब तीन वर्किंग ग्रुप तीन रिपोर्ट देते हैं एक तो फिजिकल साइंस बताते हैं कि जैसे मतलब बेसिकली क्लाइमेट चेंज का क्या साइंस है और कैसे कितना टेम्परेचर लिमिट होना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा सेकेंड रिपोर्ट सेकेंड वर्किंग ग्रुप क्या बताता है यहां पे कि इंपैक्ट एंड एडाप्शन वलेबिलिटी क्या होनी चाहिए मतलब अगर राइज हुआ तो क्या क्या इम्पैक्ट होगी उससे कितना धोखा हो सकता है कितनी वेलेबिलिटी हो सकती है एंड तीसरा वो बताते हैं कि इससे लड़े कैसे सिर्फ आपको डरा के नहीं छोड़ेंगे ये राइट तो ये सेकेंड में जो डरा रहे आपको क्या ये रियलिटी अगर सुधरोगे तो अच्छा है नहीं तो फिर इतने इतने लॉसेस हो गए और तीसरे में क्या बताते हैं कि आपको क्या सॉल्यूशंस निकालने मिटिगेशन क्या लेने तो ऐसे तीन दिन के रिपोर्ट निकलते हैं हमेशा ओके अपार्ट फ्रॉम दिस छोटे छोटे और भी रिपोर्ट चलते रहते हैं जैसे कि स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्राइस्प्रिक इन चेंजिंग क्लाइमेट ये भी आ सकता है एग्जाम में ये कि ये एक्सपाइज रिपोर्ट किसका है तो योर आंसर मस्ट भी आई ठीक है so that is तो so ipcc is clear to क्लियर टू panel on climate change पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज UNEP and क्लियर एवरी वन एंड डब्ल्यूएमओ का पार्ट है बेसिकली इट इज आई पी सी सी इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन बस इतना याद रखे एंड इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था नेक्स्ट है यूएनईपी देखते हैं यूएन ईपी यू नो दैट वर्ल्ड की सबसे एपेक्स बॉडी है एंड यूनाइटेड नेशन के अंडर ही आती है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में स्वीडन में उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट तो वहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जो मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग हम बोलते हैं ना 15 से 16 जून के बीच में हुई थी और जो कि बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पर आए थे साथ में और इवन हमारे इंदिरा गांधी जी भी तब वहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करने गए थे राइट और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट था मतलब एनवायरनमेंट के रिलेटेड पहली बार कोई इतनी बड़ी मीटिंग हुई थी 1972 में एंड उसका सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम फिर निकल के आता है कि हमें एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी एक प्रोग्राम चाहिए था कि जो इन सभी चीज़ों को हैंडल करे चाहे बायडासिडी हो क्लाइमेट चेंज हो या कुछ भी हो तो इसलिए यूएनपी का फॉर्मेशन होता है और उसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया जाता है नेरोबी केनिया में ठीक है सो दैट इज यूएनपी एंड इवन पांच जून जो हम सेलिब्रेट करते इस मीटिंग जब हुई थी उस दिन सब जो इतने साथ में आते थे तो वो हम क्या बोल के सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ओके वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आप देखोगे तो हर एक कोई ना कोई कंट्री हर साल इसको होस्ट करता है जैसे लास्ट ईयर 2022 क्योंकि 23 का पाँच जून आना बाकी है अभी तो 2022 का होस्ट कौन था स्वीडन ओके ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का होस्ट कौन था स्वीडन मतलब अभी भी है समझ लो एंड ओनली वन अर्थ इज द थीम ऑफ दैट डे उसके पहले इको सिस्टम रिस्टोरेशन ये थीम थी पाकिस्तान होस्टिंग कर रहा था उसके पहले देखोगे कोलंबिया टाइम फॉर नेचर एक्सेट्रा एंड इंडिया भी था दो हज़ार अठारह के आसपास तब हमने बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन ऐसी कुछ थीम बताई थी ठीक है तो यूनिपी समझ में आ रहा है सबको एंड उसका एक रिपोर्ट है इमिशन गैप रिपोर्ट याद रखें यू का रिपोर्ट कौन सा है इमिशियन गैप रिपोर्ट इट इज अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ द यू एन कि जो बताते हैं आपको कि आपका एंटिसिपेटेड टारगेट कितना है मतलब जो क्लाइमेट चेंज का आप सभी जानते हो पेरिस एग्रीमेंट में हमने बोला है कि हम टेम्परेचर राइज जो है तो वो टू डिग्री सेल्सियस तक एंड मोस्ट प्रेफरेबली वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करेंगे टेम्परेचर राइज को बट वो आप चाहते हो करना बट उसके लिए जो एफर्ट्स ले रहे हो उसमें कितना गैप है ना मतलब तो यूपीएससी निकालना चाहते हो बट जो एफर्ट जा रहा है वो कितने कम है उसका गैप बताने का काम इमिशन गैप रिपोर्ट या एडप्शन गैप रिपोर्ट इवन एडेप गैप रिपोर्ट भी एक रिपोर्ट आता है वो भी यूएनपी की ही रिपोर्ट है तो गैप वर्ड याद रखो यूएनपी के रिपोर्ट में क्या याद रखना है गैप जब आएगा ना एडॉप्शन गैप रिपोर्ट इमिशन गैप रिपोर्ट तो गैप मीन्स यूनिपी वॉट इट एवरी यस यहां तक तो क्लियर है रिपोर्ट कौन सा है मीटिंग कहां हुई थी हेडक्वार्टर कहां पे है है ना उसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पाँच जून को ये थीम क्या है होस्ट कौन था लास्ट ईयर का स्वीडन एंड ओनली वन अर्थ इज द थीम गॉट इट गुड नेक्स्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वैसे आप कहोगे सर ये एनवायरनमेंट में कहाँ से आ गया तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि आप अगर थीम देखो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है मेट्रोलॉजी रिलेटेड जैसे हमारे लिए आई सबसे एपिक्स है तो वैसे वर्ल्ड लेवल पे डब्ल्यू है और उनका काम क्या है देखो थीम देखो मेन काम है इनका वेदर क्लाइमेट एंड वाटर मतलब क्लाइमेट रिलेटेड भी डेटा ये प्रोवाइड करते हैं जैसे क्लाइमेट रिस्क एक्सट्रीम इवेंट्स एंड रिलेटेड इंपैक्ट्स इसलिए हल्का सा नॉलेज रखो कि डब्ल्यूएमओ किसका पार्ट है कब आया था वैसे तो 1873 सेवनटी थ्री से बाद में कुछ चेंजेस होते रहे बट बेसिकली इट इज अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इसका हेडक्वार्टर आता है जीनीवा स्विट्जरलैंड में इनकी रिपोर्ट है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन एंड स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट उस गैस बुलेटिन एंड स्टेटसल्ड क्लाइमेट मार्च 23 थ्री से वर्ल्ड की जो थी थी की की तो वो मुझे लगता है याद रखो द फ्यूचर ऑफ वेदर द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन मतलब इनकी थीम ही देखो द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड water across the जनरेशन वेदर वाटर एंड क्लाइमेट अक्रॉस the जनरेशन ओके सो ये इनकी इस बार ki थीम है कुछ चलो नेक्स्ट है biocarbon fund फंड इनिशियेटिव यह एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है देख लो इट इज इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप मतलब फॉरेस्ट बढ़ाने के लिए यह कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज होती है पूरा वर्ल्ड बैंक के थ्रू वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है बायोकार्बन फंड इनिशियेटिव एंड दो से यह हेडक्वार्टर इसका आता है यूएसए में एंड की फंक्शन वही है इनका कि रेड रेड पता है ना सबको सो so, आगे भी हम देखने वाले रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिग्रेड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन या आगे हम देखेंगे रेड क्या है पूरा डिटेल देखने वाले हैं बट इनको हेल्प करना इनके लिए भी कुछ फंड्स प्रोवाइड करना या ओवरऑल जो डिग्रेडेड लैंड है फॉरेस्ट लैंड है तो उनको अफॉरेस्टेशन वगैरह करना ऐसे इनिशिएटिव यहां पर फॉरेस्ट लैंडस्केप को तो रिवाइव करने के रिस्टोरेशन करने के एफर्ट्स यहाँ पे लिए जाते हैं तो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव किसका है बताओ ये सिंपली वर्ल्ड बैंक असिस्टेड फंड है एंड हेडक्वार्टर इज इन द एस असिस्टेड नेचर नेचुरल रीजनरेशन अफॉरेस्टेशन री फॉरेस्टेशन ये काम करता है रेड प्लस के डिफरेंट ऑर जो इनिशिएटिव्स है उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं सस्टेबल लैंड मैनेजमेंट है ना तो ये इनका बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव का इनिशिएटिव है राइट देन नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल व्हीलिंग कारपोरेशन व्हील को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में डेडिकेटेड ऐसा कोई कमीशन है तो दैट इज दिस इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन जिसका 1946 में एस्टैबलिशमेंट हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर यू कैन सी दैट इसका हेडक्वार्टर आता है एपिंगटन इंग्लैंड में कैम्ब्रिज के आसपास इट इज अ वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट बैकअप बाय ट्रीटी दैट इज द प्रॉब्लम यू कैन सी दैट क्योंकि वॉलंटरी है इसलिए कोई सभी ऐसे टारगेट कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं होता है क्योंकि वेल्स को बचाना बहुत ज़रूरी यू नो दैट आज भी जापान हो काफ़ी सारे आइसलैंड ग्रीनलैंड एक्सेट्रा पार्ट है नॉर्वे के पार्ट है वहाँ पे भी वेल को काफ़ी ज़्यादा हंटिंग किया जाता है सो दैट्स वाई यू नो दैट वेल इज़ द की स्टोन पूरे मरीन इको में काफ़ी टॉप लेवल पर आती है हम जानते हैं और उसके नंबर कम होते हैं तो इनके नंबर कम हो जाए तो पूरी मरीन इको सिस्टम हो सकती है बट अभी तक देखा जाए तो सिर्फ दो ही वेल्ड सेंचुरीज हमें देखने को मिलते हैं इंडियन ओशन वेल्ड सेंचुरी एंड सदर ओशन वेल्ड सेंचुरी ओनली टू सेंचुरीज फॉर वेल वी हैव राइट नाउ ओके इंडियन ओशन वेल्ड सेंचुरी एंड सेकेंड यस सदन ओशन वेल्ड सेंचुरी क्लियर है एवरीवन ठीक नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो कि नाइनटीन ट्वेंटी से काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायडा एरिया इस पर भी यूपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है आगे देखेंगे हम और ये क्या करते हैं तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ रीजनल मतलब कोई भी कंट्रीज के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके साथ मिलके जहाँ पे भी बर्ड्स का माइग्रेशन होता है बर्ड्स के मेन हैबिटेट है एवियन स्पीसीज माइग्रेटरी स्पीसीज के जैसे मोस्टली वेटलैंड पकड़ के भी चलो तो भी चलेगा जैसे काजीरंगा है फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर मल्टीपल स्पेसीज माइग्रेट करती है दूर दूर से राइट right? तो उस एरिया को हमें कंजर्व करना है तो इनका ए वन साइट ए टू साइट ए थ्री साइट ए फोर ऐसे कुछ अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है ठीक है ज्यादा डिटेल भी मत जाओ बस इतना याद रखो कि ए वन मतलब ग्लोबली थ्रेटन है तो उसको काफ़ी ध्यान दिया जाता है जो आयु सी एन के लिए इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसको आई बी ए साइट ए वन में डाला जाता है ओके तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वही प्रोटेक्शन हैबिटेट को प्रोटेक्शन प्लस बर्ड्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है तो देखो इस पर क्या क्वेश्चन था 2015 का देख लो एंड प्लीज आंसर दिस फास्ट वॉट विल यू द आंसर देखो सीधा एलिमिनेशन है मैंने ये सेकंड कुछ बताया कि आपको हॉटस्पॉट और इसका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का कोई संबंध क्या? नो डेफिनेटली नॉट कट डाउन दिस क्योंकि हॉटस्पॉट बायोडासीटी हॉटस्पॉटेस्को एंड नॉर्मल मेयर उनकी कंसेप्ट है यूनेस्को ने इंप्लीमेंट करता है तो उसका मतलब कुछ भी रिलेशन नहीं है सो यू हर टू कट डाउन दिस सेकेंड ऑप्शन वन वैसे भी करेक्ट है ऑप्शन में अगर आप देखो तो एंड तीसरा जो है तो हाँ बिल्कुल सही है अभी तो हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बाटी एरिया डिक्लेयर करते हैं राइट right? अभी देखा हमने जस्ट यहां पे देखो पूरा हाईलाइट किया मैंने तो यस थर्ड इज करेक्ट सो वन एंड थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन अंडरस्टूड एवरीवन क्लियर क्वेश्चन आते कैसे आते हैं समझ में आ रहा है में सपोर्ट कौन करता है बीएनएचएस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये भी हम आगे देखेंगे बट बीएनएचएस सपोर्टिंग दिस बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया डेटाज वगैरह प्रोवाइड करना एक्सेट्रा चलो नेक्स्ट है ट्राफिक पता है सबको वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्राफिक सुना होगा तो ये भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसका और यूनाइटेड नेशन का कोई कनेक्शन नहीं बट हां आयू एंड डब्ल्यू ने मिलकर इसको सेटअप किया स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफ आयू एंड डब्ल्यू जो खुद भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके द्वारा ये ट्रैफिक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1976 में ट्राफिक नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड ट्राफिकिंग होती है वहां पे कंट्रोल करना उसको कम करना उसको मॉनिटर करना ये सारा काम ट्राफिक देखता है ऑलमोस्ट साइट्स जैसे काम है तो वैसे ही लगभग इसका भी काम आपको देखने को मिलेगा तो हेडक्वार्टर इसका आता है कैम्ब्रिज यूके में इट एम्स टू एंश्योर द ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट थ्रेड टू द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर मतलब कोई भी ट्रेड अगर हो रहा है तो वो प्रॉपर चेक करो उससे कोई भी एनिमल को थ्रेड नहीं होना चाहिए इवन ये कोलैबोरेशन के साथ वर्क करते हैं साइट के साथ साइट हम आगे देखेंगे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर स्पीसीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ऐसा ये ट्रैफिक का काम है कि ट्रेड रिलेटेड मैटर्स को चेकआउट करना देन ट्रैफिक में लेटेस्ट कैंपेन देखोगे तो वॉन्टेड अलेवन नाम से ये कैंपेन रिसेंटली चलाए रहे कि जिसमें फोर एशियन बिग कैट जो है टाइगर लेपर्ड स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड तो इनके कंजर्वेशन या इनका जो इलीगल ट्रेड होता है तो वो रोकने का काम ट्राफिक करता है तो बस फिलहाल के लिए यही याद रखें कि ट्राफिक डब्ल्यू एंड आईयूसीएन के कोलाब्रेशन से बना है, यूके में इसका हेड क्वार्टर है एंड एस एस पी सी स्पेसिफिक प्रोग्राम भी ये है, चलाते हैं। तो नाउ आंसर दिस क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है सीम ऑन डब्ल्यू डब्ल्यू एफ सर ये ट्राफिक पार्ट देख लो अब तो आना चाहिए सबको फास्ट इज गुड अंकित तो सीधी बात है ना देखो अभी तो हमने देखा कौन है सी सी कौन है अरे अभी तो पढ़ा है ये तो यू का कहां से पार्ट आ गया ट्राफिक सिंपली इसके कोलेब्रेशन से बनाए डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड आई इसमें यूनाइटेड नेशन का कोई पार्ट नहीं है अंडरस्टूड तो पहला तो डेफिनेटली कट करना पड़ेगा एंड द मिशन ऑफ ट्राफिक इज टू एंश्योर द ट्रेड इन यस एग्जैक्टली यही तो हमने अभी पढ़ा कि जिससे थ्रेट नहीं होना चाहिए राइट तो देखो मैंने दस बार बता चुका हूं कि देखो एक साइड में निकाल के रखो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आईसीएन ट्राफिक एंड साइट्स दीज आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इनका यूनाइटेड नेशन से कोई संबंध नहीं है मतलब फॉर्मेशन में ठीक है यूनाइटेड नेशन के जो संबंध वाले वो है एफ होगा आई होगा राइट यू होगा वो यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये चार साइट्स हो गए ट्राफिक हो गए डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड आई यूसीड एवरी वन तो इसलिए पहला यहां पे कट हो जाता है और बस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ओके गुड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट पार्ट हाँ ट्राफिक के और एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देख लो न्यू एडिशन है तो ट्राफिक के अंडर कुछ डेडिकेटेड प्रोग्राम चल रहे थे यस दिस आर ई डबल टी है रिड्यूसिंग ट्रेड ट्रेड ऑफ अफ्रीका वाइल्ड स्पेसिस इको सिस्टम थ्रू स्टेंड इन द नॉलेज तो यूपीसी कैन आस लाइक दिस ये रेड टावर्स रिसेंटली इन द न्यूज एंड ये किसका प्रोजेक्ट है डब्ल्यू डब्ल्यू का साइट्स का ट्राफिक एक्सेट्रा या वाइल्ड लाइफ ट्रैप्स किसका है वाइल्ड लाइफ ट्राफिकिंग रिस्पॉन्स असेसमेंट एंड प्रायरिटीज सेटिंग ओके ये भी एक प्रोग्राम वो रन कर रहे हैं अफ्रीका एंड एशिया में ग्लोबल शार्क एंड रे इनिशिएटिव नाम से एक इनिशिएटिव चला रहे हैं ये जो कि ओशंस में जो भी स्पीसीज है उनके कंजर्वेशन के लिए द तो फेयरवेल्ड फाउंडेशन नाम से इनका एक इनिशिएटिव चल रहा है गाइड्स बिजनेस इन प्रमोटिंग द इथिकल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड कलेक्टेड प्लांट्स एंड इन्ग्रीडियंट्स ऑफ द डेट ओके तो ऐसे कुछ अलग अलग इनिशिएटिव से बस हाईलाइटेड पॉइंट को देख लो बाकी ज्यादा कुछ डिटेल जाने की जरूरत है नेक्स्ट है साविन नाम से एक रीजनल इनिशिएटिव हमारा जो कि ट्राफिक के द्वारा ही रन किया जाता है वो भी इम्पॉर्टेंट है ट्राफिक के द्वारा ही रन किया जाता है ट्राफिक ने ही इसको मतलब एक स्टार्ट किया हम बोल सकते हैं बट ये सार्क का भी इनिशिएटिव है सार्क मतलब क्या है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉरपोरेशन तो सार्क एंड ट्राफिक मिलके ये प्रोजेक्ट चलाते हैं और वो है यस साबिन साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क कि जिसमें आप जानते हो ना कि सार्क कंट्रीज में है ना इंडिया में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पोचिंग हंटिंग होता है आइवरी होता है तो बहुत बार बांग्लादेश में इलीगली ट्रेड किए जाते हैं या फिर नेपाल में हो गए पाकिस्तान में हो गए या श्रीलंका में हो गए वॉट एवर तो ये जो इलीगल ट्रेड हमारा है तो उसमें हम सार कंट्रीज में ये भी कमिटमेंट शो कर रहे हैं कि वी आर अवेयर अबाउट दिस इश्यूज ओके मतलब ये जो बाइडा सिटी इशूज़ है या बेसिकली जो ट्रेडिंग वगैरह हो रहा है इलीगल ट्रेडिंग एक्सेट्रा तो उसको भी हम रोकने के लिए कमिटेड है तो ये रीजनल कॉपरेशन को आप एनवायरमेंटल एंगल से भी टच कर सकते हो इसका सेक्रेटरेट आता है काठमांडू नेपाल में तो बेसिकली ये 2011 में कुछ ऐसे मीटिंग हुई थी तब ये स्टार्ट किया गया था राइट यस तो याद रखोगे सावेन क्या है ट्राफिक का ही इनिशिएटिव है एंड सार्क ऑल्सो okay? ओके कंट्रीज ऑल्सो हमारी साक की आठ कंट्रीज है ना वो भी आएगी इसमें ठीक है नेक्स्ट है? है साइट्स पता है सबको साइट्स पता है या कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो कि अभी बहुत ही न्यूज़ में था इंडिया ने भी काफ़ी स्पीसीज को यहाँ पे बताया था कि आप इसका लिस्टिंग कर लो इसको प्रोटेक्शन बढ़ाओ कुछ स्पीसीज का प्रोटेक्शन कम करने की बात चल रही थी राइट तो साइट्स आज की दिखा तो trade matters, trade के डेट में देखा जाता है कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ट्रेड मैटर्स ट्रेड रिलेटेड मैटर्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना बोथ इनके परमिशन के अलावा मोस्टली पेड जो है तो वो नहीं होता है इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन नाइनटीन सेवेंटी ने ही एक बड़ा रोल प्ले किया था और आयू के अंडर ही हम बोल सकते कि यह साइट्स का फॉर्मेशन हुआ बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन राइट जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर आता है एंड यूनाइटेड नेशन इसको एडमिनिस्टर करता है बट दैट डजेंट मीन कि ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है राइट इट इज एडमिनिस्टर बाय साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नैशनल लॉ ठीक है मतलब साइट्स चाहता है कि अगर आपको मेंबर बनना है तो फिर आपके कंट्री में भी कोई ना कोई एक्ट या पॉलिसीज वगैरह होनी चाहिए यस इंडिया इसका मेंबर क्या बिल्कुल है क्योंकि हमारे पास नाइनटीन में जब यह क्रिएट हुआ था ऑलरेडी वी हैव द एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन तो इसलिए हमें इसका मेंबर बनने में ऐसे आज कोई दिक्कत नहीं आई है ना वी बिकम इजीली मेंबर ऑफ दिस इन वेरी नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 1976 सेवेंटी सिक्स ऑडिट ठीक है और इसमें भी अपेंडिक्स वन होता है अपेंडिक्स टू होता है अपेंडिक्स थ्री होता है तीन अपेंडाइसिस होते हैं जिसमें अगर हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए तो वो फिर अपेंडिक्स वन में आते हैं राइट right? और अपेंडिक्स uh, टू में मे बिकम एंडेंजर्ड ऐसे स्पीसीज हो गए एंड अपेंडिक्स थ्री में अंडर प्रोटेक्शन वाले कुछ स्पीसीज होते हैं तो मतलब टू एंड थ्री में हो गया एटलीस्ट तब हम थोड़ा सा ट्रेड वगैरह कर सकते हैं बट अगर अपेंडिक्स वन में होगा तो उसको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है मतलब ऐसा नहीं कि परमिशन मिलती नहीं है बट आपको परमिट रिक्वायर्ड है इसके लिए अगर ऐसे स्पीसीज को आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना है तो आपको बहुत हाई लेवल ऑफ परमिट सकते हैं जैसे आप चीता के बारे में देखो अपेंडिक्स वन में आता है इसलिए इंडिया को चीता लाने के लिए काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मल्टीपल परमिशन फ्रॉम साइट्स एंड अदर ऑर्गनाइजेशन भी हमें लेने पड़े ठीक है वो तो समझ में आ रहा है एवरी वन गेटिंग माई पॉइंट साइट्स क्या है क्लियर है सबको इनकी हर साल मीटिंग होती रहती है एंड uh, इनके मीटिंग्स देख लो इस बार रिसेंट वाला मीटिंग कहाँ पे हुआ था पनामा में पता है ना सबको इसका कॉप नाइनटीन देखो अभी कुछ नवंबर में लास्ट ईयर हुआ था पनामा में एंड जिसमें देखो इंडिया ने कहा था कि इंडिया सबमिटेड थ्री प्रपोजल फॉर द स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ इट्स नेटिव स्पीसीज तो इंडिया के क्या प्रपोजल थे जयपुर जयपुर इंडिया इंडियन गेको सेकेंड रेड क्राउंड रूफ टर्टल एंड तीसरा था लेथ्स सॉफ्टशेयर टर्टल देखो ये रेड क्राउड क्राउंड रूफ टर्टल जो है तो वो इंडिया में तो मिलता ही है बट नेपाल बांग्लादेश में भी थोड़ा बहुत मिलता है यहाँ पे मोस्टली गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के आसपास है याद रखें एंड एट प्रेजेंट इन इंडिया द चंबल रिवर एंड घरियाल सेंचुरी इज द ओनली जोग्राफिक एरिया वेयर द स्पीसी फाउंड ओके तो ये इस बार हमने बोला था उनको कि आप इसको हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे दो है ना चंबल याद रखें वहाँ पे उसके बाद लेथ शेल शेल टर्टल अगर देखोगे तो ये भी ओडिशा मतलब इंडिया में मोस्टली मिलती है और ओडिशा एम वगैरह ये सारे पार्ट्स में मिलती है एंड मोस्टली कावेरी तुंगभद्रा घाटप्रभा है ना इन रिवर्स में ये सॉफ्टशेल टर्टल मिलती है तो इसको भी प्रोटेक्शन देने की हमने बात करी थी एनीवेज़ ठीक है तो बढ़ते आगे ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो चलो फर्स्ट एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडिटी ठीक है तो देखो एक्चुअली आंसर इज सी फॉर दिस टू एंड थ्री इज करेक्ट बिकॉज अगेन वही है कि यूएनपी का इनिशिएटिव ये नहीं है ऐसा कुछ होता तो मैंने जरूर आपको बताया होता कि यूएनपी आई में ऑलमोस्ट हमने सभी इनिशिएटिव कवर किए हैं बट ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बाइडा उसके रिलेटेड आता है एंड सेकंड अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा बट पैटर्न समझते जाओ जो भी इनिशिएटिव न्यू आते हैं तो आपको पता होने चाहिए एक्चुअली ये लॉन्च किया गया था Uh, 2007 में कुछ G8 की मीटिंग हुई थी तो उनका ये इनिशिएटिव था, अंडरस्टूड? यस yes. क्योंकि तब जी थे ना बाद में रशिया वगैरह निकल गया तो अभी जी ही रहेगा वहां पर राइट चलो एनी नेक्स्ट पार्ट देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन रेड प्लस इनिशिएटिव देखो द प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन ऑफ यू एन रेड प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू दो हजार सोलह का क्वेश्चन है फास्ट एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन रेड कहां पे आया था बाली एक्शन प्लान बाली एक्शन प्लान 2007 की मीटिंग बाली में जो हुई थी इसकी यूएनएफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इनके मीटिंग का आउटकम मतलब यूएन रेड आंसर विल बी यस वेरी नाइस आंसर विल बी डी कि जिसमें रेड में क्या है कि अफॉरेस्टेशन की बात चल रही है या डिफॉरेस्टेशन रोकना है तो बायोडासीटी रहेगी एक फॉरेस्ट इको तो रहने ही वाला है बट रेड प्लस में अगर आप देखोगे तो पॉवर्टी रिडक्शन भी मैंशन किया है क्योंकि इससे क्या होगा कि जब हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे तो आपको फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स भी है ना ट्राइबल लोग हो या कम्युनिटीज हो उनके लिए वो लाइवलीहुड भी है तो इससे शायद हम फॉरेस्ट बढ़ाने की वजह से पॉवर्टी भी रिड्यूस हो सकती है देखो तो इसलिए इनको अगर हम देखेंगे यू रेड प्लस में वो भी मेंशन किया है कि पॉवर्टी रिडक्शन एडिमा पॉइंट तो रेड एंड रेड प्लस क्या है वो जरूर देखना रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन दैट इज रेड जिसमें दो टारगेट है रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसिंग फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड इंक्रीजिंग कार्बन स्टॉक है ना रेड प्लस में क्या मेंशन किया है इंक्रीजिंग कार्बन स्टॉक मतलब सी सिंक बढ़ाना है जब फॉरेस्ट बढ़ाओगे तो सी सिंक भी बढ़ेगा ऑब्वियसली द कंजर्विंग फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक एक्सेट्रा तो ये सारा अगर आप देखोगे तो मेन पांच पॉइंट है फाइव रेड प्लस एक्टिविटीज मुझे लगता है आपको याद रखने होंगे कि डिफॉरेस्टेशन कम करना है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कम करना है एंड फॉरेस्ट को कंजर्व करना है सो दैट सी ओ टू सिंह बढ़ पाए it? चलो नेक्स्ट है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन जो 2010 में कुछ आई थी ये छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है एंड इंडिया इसका मेंबर नहीं है बट जीनीवा में इसका सेटलमेंट मतलब ये बनाई गई थी एंड इट इज इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऐसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल थोड़ा सा हल्का सा देख लेना नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंडिया इज इंपॉर्टेंट वैसे वर्ल्ड में ग्रीन पीस पूरे वर्ल्ड में मल्टीपल ब्रांचेस हैं इनके इसको शुरू करने से पहले मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन पीस कहाँ पे पड़ा है हमने आई क्यू एयर विजल ओके एंड ग्रीन पीस मिला के कौन सा रिपोर्ट निकालते हैं आई क्यू आर विजअल ग्रीन पीस यस ये मिलके कौन सा रिपोर्ट निकालते हैं? फास्ट आई क्यू आर विजुअल एंड ग्रीन पीस ये मिलके कौन सा रिपोर्ट निकालते हैं? जो कि वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सो दैट्स वाई मैंने ग्रीन पीस भी यहाँ पे रखा है जो कि इनका काम देखो स्टॉप क्लाइमेट चेंज प्रिजर्विंग द ओशन सस्टेबल एग्रीकल्चर है ना ये सारे काम करते हैं बताओ जल्दी इतना टाइम क्यों लग रहा है रिप्लाई करने के लिए फास्ट एवरी वन यस ग्रीन पीस एंडल यस एनी वन नो वन इज देयर दैर इज वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना ये जरूर देखना बाद में और यह रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की हालत इसमें बहुत खराब है आप जानते हो दस में से सात सिटीज इंडिया की एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक राइट आपने देखा होगा है इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में हो कैपिटल में हो या कंट्री में भी हो यस वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना ठीक है तो ज़रूर देखना ये ग्रीन पीस एंड आईक्यू एयर विजुअल मिलके निकालते हैं तो इंडिया में भी इसका कुछ ऑफिस से देख लेना ग्रीन पीस इंडिया नाम से जो बाकी भी यूरोप एशिया इधर उधर सभी जगह पे है तो इसमें इंडिया को भी काफ़ी सारा फंडिंग चालीस परसेंट फंडिंग बाहर से आता है बट सिक्सटी परसेंट इंडिया का खुद का फंडिंग है राइट चलो नेक्स्ट है जी एस ई एस है देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो भी भले ही रिपीट नहीं होगा बट ऐसे पैटर्न बहुत चलते जा रहे हैं आजकल कहाँ से तो भी अलायंस निकल के आता है एंड वो अलायंस यूपीएससी उस साल पूछ लेती है जैसे कि ये वॉलन्टरी है क्या बिल्कुल वॉल्टरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी रेजिलियंस फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज बोला है क्योंकि नाम में ही लिखा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब स्मार्ट एग्रीकल्चर हमें क्रिएट करना है जो क्लाइमेट चेंज को रेजिस्ट कर सके बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं डॉट आ रहे इसको रेजिस्ट कर सके सॉइल डिटोरेशन हो रहा है उसको रेजिस्ट कर सके तो ऐसा ये इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया नहीं है कहीं पे भी ठीक है मतलब समझ में आ रहा है इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस या इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी क्या ऐसा कुछ नहीं था बट हाँ वर्ल्ड लेवल पर कुछ चल रहा था ऐसा मैटर सो इट डज़ नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिकेशन एक्सेप्टा एंड बाकी इंडिविजुअल वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा नॉर्मल लिखता तो देखो यूपीएससी ने 2018 में इस पर क्वेश्चन पूछा तो मतलब देखते कि नॉर्मल है इंडिया पार्ट नहीं शायद हम इग्नोर कर लेते हैं बट वैसा नहीं करना है देखो सामने आपके क्या है क्वेश्चन और आंसर दिस क्वेश्चन यस गुड यस एवरीवन आंसर फास्ट अदर स्टूडेंट्स अभी पढ़ा है हमने जस्ट यस yes, अभी पढ़ा ना ये पेरिस में मैंने कुछ ऐसा बताया कि आपको पेरिस वगैरह में आया है? ऐसे कुछ नहीं ये ऐसे ही वॉल्ट्री निकला है नॉर्मल ठीक है कोई मीटिंग के वगैरह अंडर नहीं था ये ऑब्वियसली एंड पेरिस तो बिल्कुल भी नहीं था ओके okay? पेरिस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस होगा राइट right? ग्रीन ग्रीड इनिशिएटिव होगा या फिर आई एन डी सी हो गए इंटरडे नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन तो इतना सारा है पेरिस के अंदर इसके अलावा नहीं है कुछ राइट right? तो गैस का ऐसा तो कहीं पर पड़ा नहीं हमने राइट ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इसमें है क्या डेफिनेटली नॉट so, इसलिए ये कट कर दो वन ऑप्शन अगर कट कर दो तो दो ही बचते दो वैसे भी सही है थ्री चेक कर लो इंडिया बिल्कुल भी इसमें नहीं था अभी तो मैंने बताया राइट इंडिया वॉज नॉट इंस्ट्रूमेंटल इन दिस क्रिएशन ऑफ एनी वेयर इन दिस जी एस है ठीक है तो ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन और ये रिसेंट क्वेश्चन है बहुत पुराना भी नहीं है आंसर विल बी आंसर विल बी टू ओनली बिकॉज इंडिया इज नॉट देयर ठीक है नेक्स्ट आर्टिक काउंसिल देख लो पता है सबको आर्टिक काउंसिल जो कि एक नॉर्मल आर्टिक के कंजर्वेशन के लिए आर्टिक के एन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन है एंड जिसमें इनके मेन फोकस देखो एन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है आर्टिक रिलेटेड बायोडासिटी वहाँ की कंजर्व करना वहाँ के ओशन को आर्टिक ओशन को कंजर्व करना एंड वहाँ के इंडिजनीस जो आर्टिक के पीपल है लोग हैं तो वहाँ पर उनका भी राइट्स के रिलेटेड ध्यान रखना तो क्या ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा है क्या जैसे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इकोनॉमिक एंड एक्सेट्रा है तो वैसा कुछ है क्या नहीं ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है आरटी काउंसिल है ना मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम काउंसिल पढ़ते आरटी काउंसिल एक्सेट्रा तो थोड़ा तो इमोशनल हो जाते हैं कि हाँ सर ये मिलिट्री होगी इकोनॉमिक होगी ऐसा कुछ नहीं है सिंपली इट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इवन इट इज नॉट अ ट्रीटी अंटार्कटिक जैसे ट्रीटी है तो वैसे यहाँ पे कोई ट्रीटी है क्या आर्टिक में नो तो इसमें कुछ आठ कंट्रीज आते हैं जहाँ पे जो पूरे आर्टिक सर्कल में आती है सिक्सटी सिक्स एंड हाफ में से लेकर नाइन्टी डिग्री तक जो भी पार्शली और कंप्लीटली कंट्रीज आती है वो सभी इसका मेंबर्स है आठ आती है फिर वो जिसमें यूएसए अलास्का होगा रशिया है फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क डेनमार्क से नहीं जाता है बट ग्रीनलैंड जो पार्ट है वो डेनमार्क का है तो इसलिए वो भी आएगा आइसलैंड आएगा एंड कैनेडा आएगा तो ये सारे कंट्रीज इसके पार्ट है और इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को सेकंड टाइम मिला है सो दैट्स वाय दिस आर्टिक काउंसिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन परस्पेक्टिव ऑल्सो जिसका हेडक्वार्टर आता है या सेक्रेटरीट बोल दो टॉमसो नॉर्वे में आता है ओके okay? सो so बस दैट इज ऑल बस इतना याद रखें इसमें कि बाकी ऐसा पॉलिटिकल वगैरह कुछ नहीं बस जो पोल्यूशन रिलेटेड मैटर्स है उस पर ध्यान रखना उसको कम करना जितना हो सकता है सो दैट मेल्टिंग ना हो आर्टिक का तो वही इसमें रहेगा नेक्स्ट इज जी एफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब नाइनटीन नाइन्टी टू का अर्थ समिट होने जा रहा था उसके पहले कोई ना कोई ऐसे फंड हमें चाहिए थे कि जो इस आने वाले चाहे यूनियफ पीपल सी हो सी बी डी हो यू एन सी सी डी हो इनको कोई ना कोई फंड देने वाली हमें एक फैसिलिटी चाहिए थी फंड चाहिए था काइंड ऑफ बैंक जैसा चाहिए था एनवायरमेंट को जो इन्वेस्ट करे एनवायरमेंट में तो इसलिए नाइनटीन नाइन्टी वन में वन बिलियन डॉलर का वर्ल्ड बैंक के अंडर एक फंड लॉन्च किया गया जिसमें जिसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन यू एस ए में एंड ये जॉइंटली मैनेज किया जाता है यू एन डी पी वर्ल्ड बैंक एंड यू एन डी पी के द्वारा तो वही है कि ये पूरे एनवायरनमेंट रिलेटेड मैटर चाहे वो बायोडासिटी हो क्लाइमेट चेंज हो इकोसिस्टम प्रोटेक्शन हो या फिर अदर जैसे कि मर्क्यूरी uh, रिलेटेड मीना माटा कन्वेंशन हो राइट right? तो मीना माटा कन्वेंशन स्टॉक होम पी रिलेटेड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिलेटेड कन्वेंशन है या यूएनसी सीबीडी इनको फंड देने का काम पैसा देने का काम कौन करता है जी इट इज अ वेरी बिग फैसिलिटी जी एफ फंड इसके अपोजिट हम जी को देख सकते हैं जी मतलब क्या है ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कहाँ पे आया था कॉपे निगंज से आया था यूनिफ ट्रिपल सी के अंडर तो बेसिकली इट इज टारगेटेड ओनली टू यूनिफ ट्रिपल सी मतलब क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डेडिकेटेड फंड कौन सा है सिर्फ क्लाइमेट चेंज से ही लिमिटेड कौन सा है जी बट वैसा जी है क्या जी नहीं है जी एफ ब्रॉड है मतलब मल्टीपल इसमें फंडिंग के लिए अगर फाइनेंशियल मैकेनिज्म कोई होगा तो दैट इज जी एफ मेकेनिज्म देखा सबने कि कहाँ कहाँ पर यह फंडिंग कर रहे हैं गुड नाउ आंसर दिस क्वेश्चन 14 का क्वेश्चन है देखो द सेम टॉपिक येस yes, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि देखो मैंने क्या बताया इसको इसको कंपेयर मैंने लगभग बैंक जैसा किया है ना फैसिलिटी मतलब क्या फंड देने का काम करेगा वो क्या को रिसर्च विसर्च करेगा हल में क्यों रिसर्च करा रहे हो बैंक से राइट तो रिसर्च होगा क्या नहीं होगा ओ ऐसा है क्या नहीं ये वर्ल्ड बैंक बेस्ड है और मोस्टली वर्ल्ड बैंक ही लिमिटेड रखो ऐसा कोई रीजनल नहीं है कि ओ रहेगा एक्सेट्रा ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसलिए ये तीनों भी गलत है ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट कि जो फाइनेंशियल सर्व करता है सी बी डी यू एन सी सी डी सी देन स्टॉक होम कन्वेंशन होगा मीना कन्वेंशन है इनको फंड देने का काम कौन करता है दिस पार्ट ओके बस इतना याद रखें ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है चलो लाइक फॉर द चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन वेटलैंड इंटरनेशनल फास्ट देख लो इसका क्या आंसर होगा ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना वेटलैंड इंटरनेशनल ट विज आंसर ऑफ दिस येस ऑब्वियसली ये रामसर तो नाइनटीन सेवेंटी टू का है राइट right? और वेटलैंड इंटरनेशनल देखोगे तो काफ़ी पुरानी है ओके okay? वेटलैंड इंटरनेशनल इज द ओनली ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन राइट डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ रिस्टोरेशन एक्सेट्रा तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा सीधा आप एलिमिनेट कर लो रामसर इज द कन्वेंशन डेफिनेटली वो अलग से है रामसर ईरान में वगैरह फॉर्मेशन हुआ था तो इसलिए उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं आएगा अंडरस्टूड तो उसका और वेटलैंड इंटरनेशनल का कोई रिलेशन नहीं उसको कट डाउन कर लो फर्स्ट ऑप्शन को एंड बाकी फिर ठीक है सेकेंड इज द ओके आंसर फॉर दिस तो आज देख लेना थोड़ा सा वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है ओके नेक्स्ट जी सी सी ए वॉट इज दिस जी सी सी ए तो जी सी सी ए दो हजार सात में स्टेब्लिश हुआ था और ये ई यू का इनिशियेटिव है किसका इनिशियेटिव है यूरोपियन यूनियन का जिससे ये क्या करेगा कि जो लीज डेवलप कंट्रीज है डेवलपिंग नेशंस है एक गरीब देश है कि जो क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट से लड़ नहीं सकता है तो उनको मिटिगेशन फंड या उनको सपोर्ट देने का काम करेगी या कुछ एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी ये फंड देने का काम करेगी अंडरस्टूड तो ऐसा ये अलायंस है बट ये किसका है ईयू का है अंडरस्टूड तो बस ये बूस्ट करेगी इफिशियंसी रिस्पॉन्स टू नीड्स ऑफ वलरेबल कंट्रीज मतलब वनरेबल कंट्रीज है ना ये सारे तो उनके लिए ई यू जैसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे अभी हमने कॉप ट्वेंटी सेवन में अभी एक देखा कॉप ट्वेंटी सेवन के आउटकम्स में ऐसा कोई ग्रुपिंग बनाया रिसेंटली ऐसा ही मतलब ये तो चलो पुराना हो गया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस ई का है एंड फॉर दिस कंट्रीज जो कि लेस डेवलप है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज है गरीब देशों के लिए जहाँ पे फ्लड के इम्पैक्ट होते हैं उनको पैसे देंगे है ना टू बेसिकली uh, ये डिफरेंट मेजर्स होके मतलब मिटिगेशन मेजर्स के लिए वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे तो वैसा ही कॉप ट्वेंटी सेवन में कुछ इस बार नया फंड आया है यस yes. बट कौन सा नाम क्या है उसका यस फास्ट एवरी वन जी सेवन कंट्रीज ने अलोंग विद द वी ट्वेंटी कौन सा फंड है वो ग्लोबल शील्ड फंड ओके ग्लोबल शील्ड फंड नॉट GCF सी ग्लोबल शील्ड फंड शील्ड फंड याद है ना सबको ग्लोबल शील्ड फंड क्या था ग्लोबल शील्ड फंड ओके सो ये फंड जो है तो वो किसने क्रिएट किया जी सेवन कंट्रीज ने और वल्नरेबल ट्वेंटी कंट्रीज की जिसमें वही सेम सेम यही पर्पज़ रहेगा ओके okay. तो याद रखो आप प्लीज़ एवरी वन ऑप ट्वेंटी सेवन का वीडियो देखो अगर याद नहीं आ रहा है तो ग्लोबल शील्ड फंड जी सेवन प्लस ट्वेंटी एनी वेज नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ऐसा कुछ एक नॉर्मल एक नेटवर्क है देख लो इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है एनजी टाइप ऑफ है ये किसी का पार्ट नहीं है राइट एंड बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है ओके okay? इनका एक पब्लिशमेंट है इको वो न्यूज़ लेटर बस उतना देख लेना बाकी फिर ये हाई प्राइटेरिया ऑन बोथ हेल्दी एनवायरनमेंट वगैरह उसके रिलेटेड पब्लिशिंग करते रहता है नेक्स्ट इज द पेज इनिशिएटिव देख लो और यस yes, इस पे भी क्वेश्चन आया था जी पे भी क्वेश्चन आया था कि उन्होंने पूछा था कि ये किसका इनिशिएटिव ऐसा एक क्वेश्चन आया था अभी शायद वो मुझसे मिस हुआ है यहाँ पे देने के लिए बट यस देर वॉज क्वेश्चन ऑन दस ये अलायंस किसने क्रिएट किया था नेक्स्ट पेज इनिशिएटिव देख लो पेज इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च हुआ है दो में रियो प्लस ट्वेंटी रियो प्लस ट्वेंटी मतलब कौन एजेंडा ट्वेंटी वन वाले मीटिंग्स है ना अजेंडा ट्वेंटी वन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो उनके अंडर जो भी मीटिंग्स होते हैं तो उनको हम रियो प्लस फाइव रियो प्लस टेन रियो प्लस ट्वेंटी लाइक दिस है ना मतलब नाइनटीन नाइन्टी टू के रिस्पेक्ट में रियो प्लस ट्वेंटी मतलब कितना हो गया बीस साल बाद तो दो हज़ार बारह तेरह की कुछ मीटिंग हुई थी उसमें यह आउटकम आया था पेज इनिशिएटिव पेज मतलब क्या है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी आप जनरेट करो जी डी पी ग्रोथ कर रहे हो करो जो भी करना है करो वैसे बहुत सारे कमाओ बट एनवायरमेंट को डैमेज मत करो अंडरस्टूड क्लियर एवरी वन तो ये इसमें टारगेट था ग्रीन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में तो इंक्लूसिव ग्रीन इकोनॉमी इंश्योरिंग एंड डुप्लीकेशन एक्सेट्रा ये सारी चीजें और बहु, बहुत सारे एजेंसीज इसमें पार्ट है देखो यू भी है आईएलओ है यू है यूनिडो है यूनिटार है तो ऐसे सारे इसके पार्ट्स हैं तो देख लो क्वेश्चन क्या है यूपीएससी का दो का क्वेश्चन है ऑन द सेम टॉपिक विल अभी हमने पेज का क्वेश्चन देखो इस पर मीटिंग्स में मतलब कौन सा होगा इसमें अब बताओ मुझे क्या डेफिनेटली नॉट क्योंकि वो अलग है ना? पहले तो आप समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो है कि रियो या अर्थ 1992 के समिट में जो आउटकम्स आए थे वो ध्यान में रखो यून ट्रिपल सी एक अलग सिस्टम है सीबीडी एक अलग सिस्टम है कन्वेंशन ऑन बायोडासिटी उसके बाद यू एन डी एक अलग इनिशिएटिव था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड देन एजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है यून ट्रिपल सी के अंडर हमने देखा है कि क्योटो होगा पैरिस कन्वेंशन ऐसे कुछ कन्वेंशन है सीबीडी के अंडर कौन कार्टेज ना है कार्टेजना नागवा प्रोटोकॉल है यूएनसीसीडी के अंडर एस सच इतना बड़ा ये नहीं है बट हाँ मीटिंग रिसेंटली कहाँ पे हुई थी आइवरी कोस्ट अबिज वो थोड़ा सा मुझे लगता है देख लो एंड एजेंडा ट्वेंटी वन के अंडर रियो प्लस फायर रियो प्लस टेन रियो प्लस ट्वेंटी है ना ये सब इसमें आते हैं एजेंडा ट्वेंटी वन सस्टेबल डेवलपमेंट की मीटिंग्स वो अलग से तो यही आपको समझना था और यहाँ पर आंसर करना था कि हाँ ये जो पार्ट है वो तो नहीं आएगा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी कोई मीटिंग है नहीं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यस इट इज देयर क्योंकि 2002 मतलब रियो प्लस टेन होता है रियो प्लस टेन है क्या यहाँ पे नो नॉट हमें रियो प्लस ट्वेंटी चाहिए ना रियो प्लस ट्वेंटी मतलब बीस साल बाद नाइनटीन के तो वो जो मीटिंग यहाँ पे हुई थी वॉट इट एवरी तो समझा क्वेश्चन कैसे आ रहा है पेज इनिशिएटिव पे देखा क्वेश्चन कैसे है ठीक है नेक्स्ट मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, हो ये भी एक इनिशिएटिव देखो अगर हो सके तो लेक्चर एंड करके फिर से क्लिक करो क्योंकि रिफ्रेश होता है थोड़ा सा लैग होता है तो वो आपका लैग निकल जाएगा यस ऑब्वियसली क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ अगेन पैरिस मीटिंग है ना पैरिस को जो मीटिंग हुई थी यूनिफ़ ट्रिपल सी की तो इस पैरिस के यूनिफ़ ट्रिपल सी के मीटिंग में यस दो हज़ार की जो कॉप ट्वेंटी की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर हमने देखा ना इंटरनेशनल सोलार अलायंस आया था बराबर है एंड आफ्टर दैट ग्रीन ग्रीड इनिशिएटिव भी हम हल्का हल्का इसमें ले सकते हैं आई ले सकते हैं राइट ये सब कॉप ट्वेंटी वन के आउटकम्स हैं दिस वन एंड पैरिस एग्रीमेंट इट्सल्फ एंड उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट न्यूट्रल नाओ जो कि अवार्ड वगैरह चल रहा था ना इन्फोसिस को वगैरह कुछ पहली इंडियन कंपनी की जिसको मिल सकता था ऐसा कुछ डिस्कशन तब था क्लाइमेट न्यूट्रल नाओ मतलब कंपनी लेवल पे क्लाइमेट uh, न्यूट्रल होने के लिए राइट right? अब ऐसा ही इनिशिएटिव हर एक कंपनी लेवल पे या फैक्ट्री लेवल पे उनको कोशिश करनी कि उनकी कंपनी कैसे क्लाइमेट न्यूटल हो जाए मतलब जीरो इमिशन तो जीरो नहीं बोल सकते बट जितना इमिशन है उतना सिंक करवा के दिखाई ऐसी कंसेप्ट अब ये तो पैरिस के अंडर हमने देखी क्लाइमेट न्यूट्रल ना हो बट कॉप ट्वेंटी सेवन शल शेख में कौन सी थी सेम कंसेप्टस यूनिफ yes, टिपल सी के अंडर कॉप ट्वेंटी सेवन के अंडर ऐसा सेम कंसेप्ट कौन सी आई है निकल के जिसमें इंडिया एंड स्वीडन का इनिशिएटिव है फिर तो और भी इंपॉर्टेंट है इंडिया प्लस स्वीडन का इनिशिएटिव है यस वेरी नाइस लेड इट ओके लेडी इनिशिएटिव लीडरशिप लीडरशिप ऑफ ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन ट्रांजिशन तो जरूर याद रखना है। देखो पैटर्न को पकड़ के पढ़ो तो बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में हिट हो जाए ओके okay? ठीक है नेक्स्ट एफ सी पी एफ फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी देखो फैसिलिटी वर्ड आता है ना तो समझ लेना कि फंड होता है राइट मतलब कुछ तो प्रोवाइड कर रहे फैसिलिट कर रहे आपको तो ये कुछ 47 सेवन रेड कंट्रीज ने मिलकर वगैरह ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था वर्ल्ड बैंक इसमें एश्योर्ड कर रहा है इसको एज्यूम कर रहा है एज अ ट्रस्टी और फंक्शनिंग तो बेसिकली इनके पास जो फंड आएगा तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो फंड आएगा तो वो किस में इन्वेस्ट करते हैं रेड के इनिशियेटिव के लिए तो बस इतना याद रखें ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू इनको फंड मिलता है और फिर ये रेड प्रोग्राम जो है कि जो डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है तो वो कम करना अफरेस्टेशन करना प्लांटेशन करना जितना पेड़ बढ़ा सकते उतना बढ़ाना तो सारे उसके लिए ये फंड दिया जाता है और ये सभी कंट्रीज़ के लिए होगा ऑब्वियसली जहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो सभी के लिए होगा राइट right? इस पर भी एक क्वेश्चन आके गया है एफ सी पी एफ पे एफ सी पी एफ में उन्होंने दिया था कि इट इज टारगेटिंग ऑन ओनली अफ्रीका इज दैट करेक्ट डेफिनेटली नॉट ये पूरे वर्ल्ड के लिए रहेगा वॉट इट अंडरस्टूड एवरीवन यस द नेक्स्ट जी टी एफ ग्लोबल टाइगर फोरम पता है सबको नाइनटीन नाइन्टी फोर में ये स्टार्ट हुआ था लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली इसमें इंस्ट्रूमेंटल था सेक्रेटरीट हमारे यहां पे ही है इट इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी कैंपेनिंग टू सेव द टाइगर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड ऐसी ओनली ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इज जी एंड इनके पार्टनरशिप से देखो भूतान इंडिया नेपाल अलॉन्ग विद द डब्ल्यू डब्ल्यू भी इसमें इंस्ट्रूमेंटल है डब्ल्यू का भी काफी बड़ा रोल है इसमें तो दिस जी टी एफ इज अंडर द डब्ल्यू डब्ल्यू एफ भी मान, मान सकते आप है ना टाइगर हैबिटेट का स्टेटस देखना कैसे क्या, क्या है ना पॉपुलेशन कैसे उनके नंबर कैसे बढ़ा सकती है ये फोरम में बात करी जाती है इनका हर तीन साल को मीटिंग होता है एवरी थ्री ईयर को जी का मीटिंग्स होते हैं इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी 2010 की जो कि टाइगर कोरम भी हम जिसको बोल सकते हैं या ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव भी 2008 में कुछ लिया गया था तो जी टी आई प्लस जी टी एफ ग्लोबल टाइगर फोरम इन्होंने मिलके एक 2010 में मीटिंग रखी थी राइट वो कहाँ पे थी सेंट पीटर्सबर्ग में सेंट पीटर्सबर्ग में और वो कहाँ पे आता है रशिया में पता है ना सबको बाल्टिक सी के पास सेंट पीटर्सबर्ग आता है वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी और वहाँ पे तेरह टाइगर रेंज कंट्रीज तेरह टाइगर रेंज कंट्रीज मतलब कौन सी है दिस वन कि जहाँ पे टाइगर बचे है, है ना एशियन टाइगर्स तो ओवरऑल एशियन या और ओवरऑल टाइगर्स जो टाइगर्स बचे हैं तो वो है इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार है ना चाइना वियतनाम दीज आर द दर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तब कुछ तीन हज़ार के आसपास नंबर थे और तब सभी ने WWF डब्ल्यू एफ एंड ग्लोबल टाइगर फोरम इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के मीटिंग में प्लीच किया सभी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं इवन इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ दैट कि हम टाइगर के नंबर डबल करके दिखाएंगे टी एक्स टू मतलब टाइगर इंटू टू मतलब तीन हजार के छह हजार करके दिखाएंगे कब तक दो हजार बाईस तक है ना टी एक्स टू टाइगर्स डबल द टाइगर नंबर ऑफ टाइगर्स बाय ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ये इंडिया ने अपने केस में खुद के केस में अगर हम देखेंगे तो इंडिया ने अपना टारगेट दो में ही अचीव कर दिया था जब हमारे नंबर कुछ दो के सेंसस के टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंगली देखोगे तो 2967 के आसपास कुछ थे बराबर है ना 2967 जो कि हमने तभी मतलब हमारा आ, 2010 के आसपास कुछ 1400 के आसपास नंबर थे उसका डबल हमने 2022 तक करना था मतलब 2800 करना था 2022 तक बट हमने वो दो में अचीव कर लिया 2967 अभी हमारे 2022 टाइगर के टाइगर सेंसेस के अकॉर्डिंगली कितने नंबर है यस yes, बताओ 2367 ना इज दैट करेक्ट 2367 थ्री सिक्स सेवन राइट एग्जैक्टली मतलब काफी काफ़ी अच्छे खासे नंबर हमने बढ़ा दिए हैं सॉरी थ्री हाँ एक्सट्रीमली सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी प्लीज करेक्ट दिस कितने नंबर है हमारे यस थ्री वन सिक्स सेवन ना थ्री वन सिक्स सेवन या थ्री वन सिक्स सेवन आई यस आई थिंक थ्री वन सिक्स इज़ दैट करेक्ट ओके ठीक है एक बार देख लो आप कंफर्म कर लो है ना थ्री वन सिक्स सेवन हो गए थ्री टू सिक्स सेवन या थ्री वन सिक्स सेवन वॉट एवर इट मे बी थ्री वन सिक्स सेवन आई थिंक इट इज़ थ्री वन सिक्स सेवन हो गया है ना प्लीज़ एक बार कंफर्म करना सो so, uh, थोड़ा सा मुझे क्लिक होने में प्रॉब्लम आ रहा है बट ठीक है थ्री वन सिक्स सेवन हो गया डेफिनेटली और वो हमने डबल डेफिनेटली करीब करके दिखाया इसमें कंजर्वेशन एश्योअ टाइगर स्टैंडर्ड कैट्स वगैरह भी हमने कुछ प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किए थे ना थ्री वन सिक्स सेवन एग्जैक्टली थ्री वन सिक्स सेवन इज द रीसेंट नंबर ओके यस अराउंड अराउंड दो सौ के आसपास इंक्रीज हुआ है बट ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ इस बार ओनली सिक्स परसेंट राइज हुआ हमारा जबकि लास्ट सेंसस में देखोगे फोर्टीन टू एटीन के सेंससस में आप देखोगे तो वो कुछ तो भी थर्टी परसेंट के आसपास राइज था तब हमारे ट्रिपल टू सिक्स थे और उससे हमने टू नाइन सिक्स सेवन मतलब काफ़ी अच्छा नंबर बढ़ाया था बराबर है बट ट्रिपल टू सिक्स से टू नाइन सिक्स सेवन करके दिखाया हमने और अभी टू नाइन सिक्स सेवन से थ्री वन सिक्स सेवन तक आ गया मतलब अभी इस बार थोड़ा राइट जो है वो कम देखने को मिला है ओके बट ठीक है मतलब जो भी है तो हमारे पास नंबर काफ़ी अच्छे है सेकेंड नंबर पर जो रशिया आता है तो उनके कंपेरिजन में तो डेफिनेटली हमारे अच्छे क्योंकि रशिया में चार के आसपास ही टाइगर्स है अराउंड फोर समथिंग और इंडिया में देखोगे तो हमारे अकेले एमपी में भी 500 प्लस टाइगर से अकेला एमपी ठीक है तो दैट इज ऑल चलो आंसर दिस क्वेश्चन सीसीएसी सी ऐसे कोएलिशन पे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं देखो मिथेन ब्लैक कार्बन हाइड्रो फ्लोरो यस डेफिनेटली आंसर इज बी फॉर दिस बिकॉज सी सी एस सी जो है उन्होंने क्या दिया है कि जी ट्वेंटी समथिंग उनका इनिशिएटिव है बट नॉट द सी सी एस इज़ वॉलंटरी पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसिस मतलब वो कंप्लीटली प्राइवेट लेवल पर चल रहा है द कोलेशन एक्टिविटीज आर फाइनेंस थ्रू द मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड मतलब फंडिंग भी बहुत सारे अलग अलग एडमिन मतलब पार्ट्स कर रहे हैं ओके इट इज़ नॉट एन इनिशिएटिव नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ जी ट्वेंटी तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको ट्रैप करने के लिए रहते हैं ये आपको विश्वास बैठ जाए हाँ सर शायद जी ट्वेंटी का हो सकता है राइट right? बट वैसा नहीं है यू मस्ट बी श्योर अबाउट दिस ओके कि हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है जी ट्वेंटी का पार्ट नहीं राइट एनी ठीक है तो ये गलत है बाकी सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है देखो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव नाम से एक आता है दो uh, हज़ार में कुछ लॉन्च किया गया था प्रेजेंटली म्योंग बैक इन्होंने एंड ये रियो प्लस ट्वेंटी में आता है ना तो फिर ऐसे चीज़ों को याद रखो कि अगेन 2012 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21 की जो रियो प्लस ट्वेंटी मीटिंग है तो वहाँ पे ये ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव नाम से लॉन्च हुआ था जिसका हेडक्वार्टर आता है सियोल साउथ कोरिया में राइट इट वर्क्स टू प्रोड्यूस द थ्री मेजर आउटकम्स एडाप्शन इंप्लीमेंटेशन एंड ग्रीन ग्रोथ प्लान मतलब वही है कि ग्रीन जैसे हमने पेज इनिशिएटिव देखा वैसे ग्रीन ग्रोथ करें डेवलपमेंट भी आप करो बट इन्वायरमेंट को बिना डैमेज करें राइट सो दिस इज ऑल ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेट सी इंडियन ऑर्गेनाइजेश तो सबसे हमारे इम्पोर्टेंट कौन है एपिक्स कौन है हमारे लिए जैसे वर्ल्ड में यू एन ई पी है तो वैसे हमारे इंडिया में कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट यू नो दैट बराबर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट तो मिनिस्ट्री ही सब कुछ है हमारे लिए है ना कि जो सबसे टॉप में है एंड इवन यू एन ई पी में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है हमारी मिनिस्ट्री है या हमारे मिनिस्टर कौन है अभी हमारे मिनिस्टर यस yes, पता है ना सबको

राइट right? तो वही हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है तो बेसिकली एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर देखो मल्टीपल सब्जेक्ट आते चाहे बायोडावर्सिटी हो या क्लाइमेट चेंज हो या फॉरेस्ट हो एवरीथिंग विल बी देर ओके सो मतलब जो भी डिफरेंट स्टेप्स लिए जाएंगे तो वो सारे इसमें लिए जाएंगे अंडरस्टूड द नेक्स्ट चलो अब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट uh, ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आप सभी जानते हो कि 1960 में अब देखो एनिमल इज डिफरेंट एंड वाइल्ड लाइफ इज डिफरेंट है वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया या नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वो वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड रहेगा एनिमल्स के रिलेटेड रहेगा कि जो फॉरेस्ट में होते हैं नेशनल पार्क्स में होते हैं सारे वो एनिमल्स बट यहाँ पे एनिमल वेलफेयर हम बोल रहे हैं वेलफेयर मतलब क्या है कि जो हमारे साथ हो गए ऐसे एनिमल्स राइट right? मतलब हमारे साथ डोमेस्टिकेटेड हो सकते हैं या फिर कुछ पालतू जानवर जिनको हम कहेंगे वो वाले और जो वाइल्ड लाइफ में होते हैं उनको हम प्रोटेक्शन देते हैं ये पता है ना सबको तो इसलिए हमारे यहाँ पे देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड हम प्रोटेक्शन देते हैं वेलफेयर नहीं होता है वो वेलफेयर मतलब जो हमारे साथ रह हैं उनका हम वेलफेयर करें नहीं तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे देखो है ना या फिर बड़े भी लोग आजकल तो कुत्तों को परेशान करेंगे मारेंगे पत्थर वित्तर मारेंगे या फिर कुछ स्ट्रे एनिमल्स होते हैं कि जो रस्ते पे चल रहे हैं ना तो वो प्लास्टिक खाते कभी कभार वो बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं उनके डिफरेंट डिसीज़ होते हैं उससे ही सफ़र करते हैं तो ऐसे एनिमल्स के बारे में भी, भी हमें सोचना चाहिए ऐसा कहीं ना कहीं रुक्मिनी देवी अरुणेल इन्होंने हाईलाइट किया था अराउंड नाइनटीन उन्होंने कहा था कि वो एनिमल्स के बारे में कौन सोचेगा क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं बट इन इन एनिमल्स का क्या तो इन्होंने एक इनिशिएट करके फिर वहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ क्रेल्टीज टू द एनिमल्स एक्ट पोका एक्ट है 1960 का है ना तो ये एक्ट हमने बनाया एंड इसी पोका एक्ट के अंडर फिर हमने एक स्टैचूटरी बॉडी बनाई एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया अंडरस्टूड एवरी वन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया गेटिंग मै पॉइंट एवरी वन और इसमें इसका हेडक्वार्टर आता है बल्लाडगढ़ हरियाणा में जो पहले चेन्नई में था बट अभी हरियाणा में आता है और इसका मेन पर्पज क्या है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कि जो बुरे कंडीशन में एनिमल्स हैं उनको हमें प्रोटेक्शन देना है या फिर उनको एक प्रॉपर मेडिकल हेल्प होगी जो भी होगी राइट right? वेटररी हेल्थ होते हैं डिफरेंट या उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करना एक्सेट्रा तो जो स्टे या डिस्ट्रेस कंडीशन में उनके रिलेटेड ट्रीटमेंट एक्सेट्रा या इवन लोगों को भी एजुकेट करना है इस बारे में अगर इलिगल स्मगलिंग हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सर्कस एनिमल्स वगैरह हो गए उनको रेस्क्यू करना लैब एनिमल्स हो गए तो इनके रिलेटेड ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आता है गॉट इट तो देखो दो हजार चौदह का क्वेश्चन है ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन यस वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस आंसर विल भी सीधी सीधी बात है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया अभी तो हमने पढ़ा इसका अलग से एक्ट है ना एनवायरमेंट कहाँ से आ गया इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रटीज टू द एनिमल्स एक्ट 1960 सिक्सटी तो इसलिए ये कट डाउन हो गया राइट तो वन ऑप्शन कट कर लो दो तो वैसे भी सही है बस थर्ड चेक करना है दो तो वैसे भी करेक्ट बोल रहे हैं राइट ऑप्शन के थ्रू देन नेशनल गंगा रिवर बेसिन इन अथॉरिटी इज चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर यस इट करेक्ट, सो दैट्स आंसर विल बी पी ओके गॉट इट एवरी तो ऐसे भी क्वेश्चन आते देखो एक खादा स्टेटमेंट भी कहीं कही ना कहीं पूछा जाता ठीक है यहां तक क्लियर है सबको ओके नेक्स्ट है सेंट्रल जू अथॉरिटी देख लो सेंट्रल जू अथॉरिटी तो सीजेड ए ये हमारे इंडिया में चाहे कोई भी नया ज़ू बन रहा है या वो जू में कोई एनिमल्स ऐड किए जा रहे हैं या किसी जू से एनिमल्स को अगेन वाइल्ड लाइफ में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कोई जू नया बनना है या उसके एरिया कम करना है या जू को एक्सटेंड करना है वॉट एवर रिलेटेड टू द ज़ू ये हमारा सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और ये भी एक स्टैटूटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेवेंटी टू याद रखें बस एंड वी आर अफिलेटेड टू वर्ल्ड में सबसे अपेक्स लेवल पे आती है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जून एंड एक्वेरियम वज़ा जिसको हम कह सकते हैं तो उससे हम अफिलेटेड हैं राइट तो ये सारा है सेंट्रल जू अथॉरिटी राइट बस इसमें इतना याद रखो नेक्स्ट है नेशनल बायोडासिटी अथॉरिटी एन ये कौन से एक्ट के अंडर आता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट टू टू जो हमने बनाया था इन द वेक ऑफ सी बी डी जो हमने कन्वेंशन ऑन बायोडासिटी देखा था 1992 के अर्थ समिट से जो निकला था उसके टारगेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने बायोडाटी एक्ट बनाया और इसी बायोडासिटी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए फिर हम देख रहे है कि हैं कि थ्री लेयर स्ट्रक्चर है एनबीए मतलब नेशनल बायोडासिटी अथॉरिटी स्टेट बायोडायसिटी अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बायोडासिटी अथॉरिटी ओके तो इसमें देखो फिर आप देखोगे तो इसमें बायोडासीटी एक्ट के अंडर Uh, जो भी यहाँ पे सी बी डी बनाया सॉरी नेशनल बायोडासिटी अथॉरिटी बनी है तो उसका हेड क्वार्टर आता है चेन्नई में वॉट इट एवरी वन चेन्नई में हेडक्वार्टर है एंड इट एंश्योर्स द फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट्स मतलब सभी को इक्विटेबल बेनिफिट्स मिलने चाहिए एंड uh, जो भी रिसर्च होगा इंडियन बायोडासिटी रिलेटेड या कुछ पेटेंट होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हो गए या पेटेंट रिलेटेड होगा तो वो सारा यहाँ पे देखा जाएगा मतलब ओरिजिनल जो बायोडासिटी रिसोर्स है उसके रिलेटेड एक्सेस एंड एवरीथिंग ओके okay, सो so वो एनबीए के अंडर चेक किया जाता है एंड एनबीए कैन इम्पोज कंडीशन फॉर अप्रूविंग द ग्रांट एंड अप्रूवल्स एक्सेट्रा बट एक है कि जो आपकी ओरिजिनल बायोडासिटी है उसके रिसोर्स को कैसे यूज करें उसका पेटेंट कैसे किसको मिलेगा क्या मिलेगा कितना यूज होना चाहिए एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग कैसे होना चाहिए मतलब सबको कैसे एक्सेस मिले एक्सेट्रा नया कोई तो भी आपको इन्वेंशन हुआ है उसको पेटेंट देना एक्सेट्रा है ना वो सारा यहाँ पे देखा जाएगा बट ओरिजिनल बायोडासिटी रिसोर्सेज के लिए तो क्वेश्चन देखो क्या आया था एनबीए रिलेटेड ये हमारी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी है अठारह तारीख को तो सभी याद रखें आपको वैसे भी कमेंट बॉक्स में दिख रहा है पिन करके दिया है सो so, अठारह मे को वी हैव यस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ओके नाइन थर्टी ए एम को तो उसकी लिंक आपको दी है आप वहाँ पे क्लिक करके ज़रूर एक्सेस करें आफ्टर लेक्चर आप लगा तो उस पर क्लिक करो बट बहुत बड़ी टेस्ट होगी बहुत लोग इनोलमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं तो अच्छा एक कॉम्पिटिटिव आपको एक रिज़ल्ट मिल सकता है और आपको भी समझ में आएगा कि है ना हमें हमारी क्या गलती हो रही है स्मॉल स्मॉल एरर्स क्या है तो आपको पिन करके दिया आप ज़रूर उसको बाद में करो एग्जाम अपने लेक्चर के बाद उस पर क्लिक करके उसके एनरोल करना एंड यूज़ द कोड फॉर फ्री एक्सेस टू दैट टेस्ट सुमित के लाइव ओके कोड कौन सा एक्सेस करना है आपको सुमित के लाइव एस यू एम आई टी के एल आई वी ओके ये यूज़ करो एंड देन प्लीज़ अटेंड दैट टेस्ट ऑन एटीन ऑफ मे नाइन थर्टी ए एम मॉर्निंग ओके ज़रूर करना सभी अटेंड ठीक है चलो तो आंसर क्या है इसमें समझ में आया सबको ई सी लिखा है सबने वेरी गुड तो बायोपैरेसि प्रोटेक्ट इंडीजीनियस ट्रेडिशनल बिल्कुल सही है एंड एन बी ए डरेक्टली मॉनिटर सुपरवाइज ये किसका काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी का काम है क्योंकि ये क्या है मॉडिफाइड रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च जो हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप जहाँ पे हुआ है तो उसके रिलेटेड अलग जी ए सी आता है एंड आई पी आर रिलेटेड ये सब भी हमने देखा वो तो आएगा इसमें है ना तो वन एंड थ्री विल बी देयर सेकेंड इज नॉट देयर ओके तो थर्ड इज डेफिनेटली करेक्ट तो वन एंड थ्री सी इज द ऑप्शन तो ये जो दूसरा काम दिख रहा है आपको ये मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग साइंटिफिक रिसर्च ऑन द जेनेटिक मॉडिफाइड तो जेनेटिक मॉडिफाइड को परमिशन वगैरह देने का काम ये करता है जी ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी बराबर है ये भी एक स्टेटूटरी बॉडी है बट कौन से एक्ट के अंडर है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसके अंडर एक रूल आता है मैन्युफैक्चर यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्टोरेज हजार माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेजम उसके अंडर राइट इट इज फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट डेफिनेटली बट याद रखिए ये बायोडर्सिटी के अंडर नहीं आता ये ये अलग एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इनका काम क्या है कि जो भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है जैसे अभी बीटी कॉटन को परमिशन मिली है राइट फिर तो उसके बाद और किसको परमिशन मिली रिसेंटली जीएम मस्टर्ड को मिली है राइट और किसको मिली है जीएम रबर को परमिशन मिली है राइट तो ये सारे परमिशन जो देने का काम है चाहे ट्रायल के लिए हो या कंप्लीट सेल एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए तो वॉट एवर द परमिशन वो कौन देता है जी एस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी अंडर विच एक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये ज़रूर याद रखें इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्लियर है सबको पढ़ो फिर ये क्वेश्चन का आंसर करो दो हजार पंद्रह का क्वेश्चन है ये yes, सिंपल अभी तो हमने देखा ना जीएससी किसके अंडर देखा कौन सा एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ऑब्वियसली द आंसर इज सी एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अब भी जस्ट हमने देखो मैंने यहाँ पर येल्लो में हाईलाइट किया है सो येस आंसर विल बी सी फॉर दिस टाइम ओके डन देखो क्वेश्चन आ रहे हैं जो भी मैं आज बता रहा हूँ ना सभी पे देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है प्लस और माइनस इसलिए आज का लेक्चर मतलब सबसे कोर लेक्चर है और उसमें इतने कम लोग हैं तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब कर क्या रहे हो आप है ना प्लीज़ लेक्चर अटेंड कर दिया करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं एनी वेज ठीक है क्योंकि हर एक लेक्चर इतने सारे क्वेश्चन है अभी बोलते बोलते मैंने बीस पच्चीस क्वेश्चन तो भी कवर किए हैं और अगर ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है प्लीज़ ऐसा मत करो रेगुलरिटी रखो थोड़ी लेक्चर्स में ठीक है एनी वेज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो किसके अंडर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू ओके क्योंकि क्राइम चल रहा है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम है तो ऑब्वियसली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर ही आएगा जो हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर डिफरेंट शेडूल्स है शेड्यूल वन शेड्यूल टू शेड्यूल थ्री ना लाइक like दिस जो भी शेड्यूल्स है तो उसके प्रोविजंस वहां पे जो एनिमल को हमने प्रोटेक्शन देके रखा है अगर वो वायलेट होता है तो फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इस पर एक्शन लेगा जैसे कि ये पुलिस है सिंपली इट इज अ पुलिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा एंड फोना बेसिकली राइट तो जो भी अगर ऐसे कुछ इल्लीगल हो रहा है तो फिर वो पकड़ा जाए जो, जो पोचिंग हंटिंग वगैरह होता है ना वो पकड़ने का काम जैसे देखो ऑपरेशन सेव कुर्मा इन्होंने लॉन्च किया था सत्रह में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया रिसीव्ड इट्स ऑनर ट्वाइस फॉर कैरिंग आउट ऑपरेशन ओके, तो ये ऐसे ऑपरेशंस भी कुछ चलाते हैं टर्टल है कि टू वर्ड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑफ लेसर नो ऑपरेशन क्लीन आर्ट नाम से आता है मंगूस हेयर जो यूज़ किए जाते हैं पेंटिंग के ब्रश में तो वो इलीगल हंटिंग जो हो रहा है वो कम करने के लिए इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन क्लीन आर्ट था शंटुश नाम से शॉल जो होती है वो चिरू चिरू मतलब क्या जो तिबेटियन हिमालय तिबेटियन एंटीलोप पता ना सबको तिबेटियन एंटीलोप जो हिमालय में मिलते हिमाचल प्रदेश लद्दाख वगैरह रीजन्स में तो उनके वूल को यूज़ किया जाता है इलीगली शंटुश शॉल के लिए एंड दिस दैट्स वाई उनके नंबर काफ़ी कम हो गए थे तो उसके रिलेटेड उन्होंने ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड चलाया था ऑपरेशन बिरबिल नाम से एक आता है इन वाइल्ड कैट एंड वाइल्ड बर्ड्स रिलेटेड देन वाइल्ड नेट नाम से एक चलाया था उन्होंने देन आफ्टर दैट फ्री फ्लाई नाम से एक था लाइव बर्ड्स के रिलेटेड एंड ऑपरेशन वेट मार्क नाम से एक था कि जो सेल ऑफ मीट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स उसके रिलेटेड अंडरस्टूड एवं ठीक है तो ऐसे ऑपरेशन जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के हैं तो बिल्कुल ज़रूर इसको देख लें एवरी वन अंडरस्टूड एवरी वन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के समझ में आ रहा है सबको देन एनजीटी नेक्स्ट इज द एन जी टी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी मैटर्स केसेस वगैरह हो गए उस सभी हम यहाँ पे अपील कर सकते हैं और पहली बात तो यह है कि ये क्यों बनाए एनजीटी दो हजार में अंडर एन जी टी एक्ट के अंडर ही बनाए मतलब ये स्टेटूटरी बॉडी है क्यों बना क्योंकि एनवायरमेंटल जो बर्डन है केसेस मैटर्स है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी बर्डन बढ़ेगा और वहाँ पे तारीख पे तारीख चलेगी राइट इसलिए इसका फास्ट इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस होना चाहिए इन्वायरमेंटल मैटर्स का तो इसलिए हमने एन को एस्टैब्लिश किया था इस ट्राइब्यूनल को जिसका हेडक्वाटर आता है दिल्ली में और अदर जो ब्रांचेस है वो है वेस्टर्न ब्रांच इज इन पुणे सेंट्रल ब्रांच इज इन भोपाल बेंच एंड ईस्टर्न बेंच इज इन कोलकाता एंड सदर्न बेंच इज इन चेन्नई ओके okay? पता है ना सबको इट हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट ऑल्सो एंड इसमें अगर आप देखोगे तो इन सच में ये फास्ट है क्या मतलब बिल्कुल तो ये फास्ट है कितने फास्ट है तो देखो जो भी इनके पास केस आती है तो वो इनको विद इन सिक्स मंथ इनको फाइनलाइज करनी पड़ती है डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है विद इन सिक्स मंथ वाट एवरी वन विद इन सिक्स मंथ इनको ये डिस्पोज ऑफ करनी है एंड अगर इनका जो भी डिसीजन आता है जैसे अभी एल पॉलीमर कंपनी को कुछ पच, पचास करोड़ का फाइन लगाया था इन्होंने जब लीकेजेस हुए थे विशाखापट्टनम में तो क्या एल पॉलीमर इस एन के वर्डिक को चैलेंज कर सकता है बिल्कुल कर सकते हैं बट विद इन नाइन्टी डेज एंड टू द सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा दैट विल बी फाइनल तो ये थोड़ा डेट्स वगैरह याद रखो कि हाँ मतलब डेज याद रखो सॉरी कि एन के पास जब केस आता है उनको छः महीने में उसका रिजल्ट देना है और रिजल्ट देने के बाद इसको चैलेंज कर सकते हैं क्या अपील yes, कर सकते हैं विद इन नाइनटी डेज ओके वो भी कहां पे चैलेंज कर सकती है इन चारों में से कहीं पे भी कर सकते हैं दर इज नो इशू ओके क्लियर एवरी वन मतलब इवन दिल्ली ऑल्सो सॉरी दिल्ली ऑल्सो एक होमवर्क देता हूं आज के लिए आपको कि एनजीटी के अंडर मतलब कौन से एक्ट है ऐसे कि एनजीटी में तभी चैलेंज किया जाएगा जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अगर वायलेट होता है तो एनजीटी में चैलेंज कर सकता है एयर एक्ट होगा वाटर एक्ट होगा राइट right? ऐसे जो भी एक्ट है उनकी लिस्ट बना के रखो फॉर दैट मैटर एनजीटी में हम जा सकते जरूर देखना इसको येस एंड एनजीटी कैन टेक डेफिनेटली टेक सो मोटो ऑल्सो येस सो मोटो मतलब क्या है कि वो कोई केस अगर नहीं भी करे बट हाँ कुछ डैमेज हुआ है वहां पे तो एनजीटी खुद भी एक्शन ले सकता है डेफिनेटली इट हैज दो मोटो वेरी गुड चलो नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूरे हमारे इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड है बिकॉज इसके हेड कौन है चेयरपर्सन कौन है प्राइम मिनिस्टर इट इज़ ऑल्सो नोन एज ममोद बॉडी क्योंकि इसमें काफी सारे मेंबर्स है मोर देन सेवेंटी मेंबर्स हैं डिफरेंट एम होते हैं सेक्रेटरियट्स होते हैं इकोलॉजिस्ट होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट के एक्सपर्टीज होते हैं तो ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है वो कौन से एक्ट के अंडर आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेवेंटी टू है ना नाम में वाइल्ड लाइफ है तो समझ सकते हो आप वहां पे और इस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लेफ सेम ऐसा ही एक स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ भी होता है उसके हेड होते हैं सी याद रखें अब इनके अधिकार क्या है इनके राइट्स क्या है तो जो भी नेशनल पार्क होगा सेंचुरीज हो या प्रोटेक्टेड एरियाज है उनके रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाना उनका एन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट वो कैरी आउट कराना उनके एरियाज कम करने बढ़ाने वॉट एवर जो भी मतलब जो भी डिसीजन हो गया वहाँ से कोई रोड जाने वाला एक्सेट्रा उसके रिलेटेड मेन परमिशन वगैरह जो है तो वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के थ्रू आता है इवन टाइगर के ही बारे में देख लो आप टाइगर रिजर्व नो स्टेट कैन अल्टर टाइगर रिजर्व विदाउट अप्रूवल ऑफ दिस बॉडी मतलब टाइगर रिजर्व तो बन गया बट उसको कुछ भी मैनिपुलेशन करना है तो आपको एनबीडब्ल्यू की परमिशन लगती है सो दिस मच इंपॉर्टेंट इज दिस पार्ट और इसमें हेड कौन है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर याद रखे इसके हेड कौन होते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर वॉट इट एवरी नेक्स्ट है सीपीसीबी पता है सबको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये इंडिया की पोल्यूशन रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है एंड ये एस्टैब्लिश हुई थी वाटर एक्ट के द्वारा 1974 का जो वाटर एक्ट है उसके अंडर इसके पावर एंड फंक्शन आते हैं एयर एक्ट के अंडर ओके तो ये दो मेन एक्ट है जो सी के लिए है मतलब सेंट्रल एक बोर्ड है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ऐसे आ, मतलब ऐसे स्टेट लेवल पे भी होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बट ये सेंट्रल लेवल पर कि जो एयर एंड वाटर पोल्यून कहीं पर हो रहा है तो उसके रिलेटेड डिफरेंट एक्शन लेते या ब्यूरोक्रैट्स होते हैं कि जो इसको इम्प्लीमेंट प्रमोट क्लिनलीनेस इन द सिटी पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन वहाँ पे कम करना एबेट एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा ये सारे काम यहाँ पे इस बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं इट इज स्टैचूटरी बॉडी अंडर द वाटर एंड एयर एक्ट वॉट इट एवरी वन यहाँ पे सी पी सी बी समझ में आ रहा है इवन एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होगा उसके भी प्रोविजन्स को यह इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं अगर समझ लो यमुना में पोल्यूशन हो रहा है तो राइट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चेकआउट कि कैसे कैसे कौन सी कौन सी बॉडीज इसके लिए वर्क करी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करी और उनपे नहीं अगर करते उन पे के तो उनपे एक्शन लेना ये सीपीसीबी या जैसे दिल्ली के केस में डीपीसीबी होगा दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक है नाउ आंसर दिस क्वेश्चन दो हजार अठारह का देखो इस आंसर विल बी वेरी गुड सो एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश बाय एक्ट ये चलो ठीक है एनजीटी एक्ट है सही बात है 2010 का बट सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज दैट करेक्ट डेफिनेटली नॉट क्योंकि सी भी तो एक नहीं दो दो एक्ट से बना एयर एंड वाटर एक्ट से है ना एयर एंड वाटर एक्ट यहाँ पे दो दो एक्ट है वाटर एक्ट बेसिकली बना तो वाटर एक्ट से ही है तो डायरेक्शन से थोड़ी बना है कोई सो डेफिनेटली इट इज रॉन्ग तो वन इन करेक्ट एंड एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस यस करेक्ट देन जिससे कोर्ट का बर्डन कम होगा एंड सीपीसीबी प्रमोट क्लीनलीनेस यस इट इज करेक्ट डेफिनेटली तो सेकंड ओनली इज द ऑप्शन गॉट इट एवरी वन दो सेकेंड ओनली इज द ऑप्शन मोडिबल समझ में आया सबको ठीक है नेक्स्ट इसको आंसर करो Last year, prelims question eh? Environment Protection Act 1986. Yes, very nice. That is Central Groundwater Authority. Very good. Very good. No. Central Groundwater Authority. Very nice. तो देखो 1986 के एक्ट के अंडर काफ़ी सारे बोर्ड आते हैं है ना मतलब सॉरी ऑथॉरिटीज़ uh, आती है जैसे आप देखते हैं तो मुझे बताओ एक तो लिखा है यहाँ पे और ऑर्गेनाइजेशंस कौन से अंडर दिस एक्ट बताओ चलो फास्ट फटाफट हम एक रिविजन कर लेते हैं तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एक है सेकेंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असमेंट नेक्स्ट या सी आर जेड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के रूल्स भी इसके अंडर आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी इसके अंडर आती है वेरी नाइस एवरीवन जो देखो सभी क्लास करते तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपको दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस लेवल वेरी नाइस बताओ और क्या रहेगा यस yes, और क्या रहेगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लिखा हमने सी लिखा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी यस वेरी नाइस एन जी नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी जिसका नाम अभी एन है नेशनल ग्रीन गंगा काउंसिल सॉरी और क्या है बताओ यस इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन वेरी नाइस यस शिवांजलि वेरी गुड इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन राइट गुड गुड नेक्स्ट और कुछ है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट सी आर जेड जी ए सी एन जी आर बी है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन और इस एक्ट के अंडर और क्या आता है बताओ ई पी जो कि अभी डिजोल्व हो चुका है बट वो भी आता है ना एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी अब इसको रिप्लेस किसने किया है सी ए क्यू एम कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि दिल्ली एंड सराउंडिंग रीजन के लिए ई पी सी ए भी था ना इसके अंडर जिसको अभी रिप्लेस किया है सी ए क्यू एम ने कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली रिलेटेड है देखो राइट right? और कोई बच गया कोई बचा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर यस एनी इनिशिएटिव याद करो फास्ट इलमोस्ट डन ना ऑलमोस्ट डन दिया ठीक है हमने सब ये क्लासेस में दिया था इसका डिटेलिंग भी देखा है राइट चलो और भी आते हैं ना ओडीएस रूल्स भी आएगा ओजोन डिप्रेटिंग सब्सटेंस के रूल्स है बराबर है ओडीएस के रूल्स है ना यस आर डी एन ए री कम्बिडेंट डी एन एडवाइजरी कमेटी ओके आर डी एस सी री कम्बिडेंट डी एन एडवाइजरी कमेटी आर डी एस सी देख लेना एक बार बस एंड ओडीएस रूल्स एक बार देख लें ठीक है ये भी थोड़ा सा चेकआउट कर लो ओके सो ये सब एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है अब इसके बाद यूपीएससी कुछ भी पूछ ले तो याद रखना ये चार्ट याद रखे तो चलो नेक्स्ट है सी भी एक थोड़ा सा अच्छे से देख लेना आजकल बहुत रिपोर्ट इसके अंडर आ रहे हैं सी के अंडर जैसे स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट एक आता है इनका तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एडवोकेसी है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट चेक करते जिसमें है ना प्लानिंग वगैरह से हो गए पुअर प्लानिंग के इशूज़ है क्लाइमेट शिफ्ट हो गए इंडिया सुंदरबन मतलब उसमें क्या इशूज़ आ रहे तो काफ़ी सारे इशूज़ पर यह टारगेट करते हैं और ये न्यू दिल्ली बेस्ट एक थिंक टैंक है बेसिकली थिंक टैंक ओके नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एडवोकेसी थिंक टैंक ओके तो इसको थोड़ा सा देख लेना देन आफ्टर दैट टेरी पता है सबको द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये भी न्यू दिल्ली बेस्ट है 1974 सेवेंटी फोर से है इन द फील्ड्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ये काम करता है जिनका इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ग्रीहा ग्रीहा मतलब ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट मतलब जो एकदम क्या कहते हैं हम उसको कि एन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी राइट ऐसे बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग का टैगिंग देना ग्रीन बिल्डिंग इट इज़ अ नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग इन इंडिया तो ये गृहा जो इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है वो किसने स्टार्ट किया टेरी ने ओके द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वॉट इट नेक्स्ट एनटीसीए पता है सबको एनटीसीए किस एक्ट के अंडर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू में ओरिजिनली कोई प्रोविजन नहीं थी इसलिए दो हजार छ में अमेंडमेंट हमने करवाया और इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने एनटीसीए एस्टैब्लिश किया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी राइट कि जिसमें क्या है कि हम तब से ही लगभग हमने टाइगर सेंसस वगैरह स्टार्ट किए थे तो उसमें टाइगर सेंसस में इसमें मदद करना है और ये अथॉरिटी ओवरऑल टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए भी काम करेगी और डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग भी काम करेगी एंड इवन प्रोवाइडिंग ओवरसाइट बाय पार्लियामेंट एक्सेट्रा है ना लोकल पीपल हो गए उनका भी थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह चेक करना ये सारे मतलब एन के द्वारा किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर प्रोजेक्ट को एक सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए एन टी सी ऑथॉरिटी आती है नेशनल टाइगर ऑथॉरिटी और इनकी जो फोर्स है नेशनल टाइगर रिस्पॉन्स फोर्स है ना ये भी थोड़ा सा देख लेना कि जो फोर्स होती है मोस्टली वहां पे वो काम करेगी तो काफी सारे इसमें पावर्स वगैरह हैं वो बाद में आप, आप आराम से देख लें बट जैसे क्वेश्चन देख लो स्टिप्स क्या है स्टिप्स येस एन टी सी मतलब देखो एलिफेंट रिजर्व मतलब वो अभी जैसे आसाम के एरियाज़ में देखोगे तो एन टी सी वहाँ पर भी काम करता है मतलब वहाँ की जो टीम होती है उनकी तो जो समझ लो कि वहाँ के जो डिफरेंट टाइगर रिजर्व से ओरंग है मानस है वॉट तो वहाँ की टीम फिर वो राइनो के लिए भी कंजर्वेशन के लिए या एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए भी वो टीम वैसे उस तरीके से काम करता है यस अंडरस्टूड यस सो इसमें आंसर क्या होगा मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व सही है अंडरस्टूड वेरी गुड क्या आंसर होगा इसका आंसर वील बी डी है ना मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व एम स्टिप समटाइम्स इन इन द न्यूज़ इन द कंटेस्ट ऑफ इस कैप्टिव ब्रीडिंग नहीं आएगा देन uh, कुछ सैटेलाइट के बारे में दिया है सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे नो तो ये कुछ ऐप भी उन्होंने डेवलप किया था जिसमें हम टाइगर के मेनटेनेंस के बारे में देखेंगे नंबर्स कैसे है क्या उसके रिलेटेड था ये राइट right? तो आप बाद में देख लेना देन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या ये स्टैच्यूटरी बॉडी है देखो इंस्टीट्यूट है पढ़ाई वाली बातें चली गई में आता है और जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम एकेडमिक्स कोर्सेस एक्सेट्रा होता है तो इसलिए स्टैटूटरी के अंडर लाने की जरूरत नहीं ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है और ये मिनिस्ट्री के अंडर आता है बट ये इंस्टीट्यूट है याद रखना यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए फॉरेस्ट ऑफिसर तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं रेंजर फॉरेस्ट होते हैं है ना डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट के ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो यहाँ पे होती है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सो इसलिए ये स्टैटूटरी है क्या नो डेफिनेटली नॉट इट इज अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन गॉट इट क्लियर एवरी वन ओके और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देहरादून में ठीक है नेक्स्ट कैंपा पता है सबको कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी ये भी एक एक्ट के अंडर आती उनका खुद का एक्ट है देखो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट जो कि पास किया गया था 2016 में कुछ और उसके बाद ये कैंपा आ गया जिसको मैनेजर ऑफ अफॉरेस्टेशन फंड कहा जाता है तो ये जो फंड है वो क्या है पहले क्वेश्चन देख लो इस पे दो का एक क्वेश्चन है पहले यह देख लो फिर हम देखेंगे इसका कवरेज यूपीएससी ने पूछा था देखो कैसे यूपीएससी ट्रिक करती है आपको वो आपको समझ में आएगा भी. Fund and in both and state level? Yes, तो स्टेट को ज्यादा एंड पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी मतलब इंडिया में आप किसी को उठा के लेके जा सकते हो चलो पेड़ लगाओ ऐसा चलेगा कि ऐसा कंपेन्सेशन आप कर सकते हो क्या पीपल पे एज अ पीपल पार्टिसिपेशन पे आप रस्ते से जा रहे हो और आपको बोला कोई खींच के लेके गया चलो पेड़ लगाओ चलेगा क्या ऐसा नहीं चलेगा ना प्रैक्टिकली तो ऐसा पीपल पार्टिसिपेशन होता है कि दैट इज कम्प्लीटली मैनिपुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट बाय यूपीएससी सो इट्स डेफिनेटली रॉन्ग तो टू इनकरेक्ट है एंड पहला जो है तो यस इट इज सिंपल स्टेटमेंट दैट इज वन ओनली इज द करेक्ट राइट यस तो पीपल पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं यहाँ पे कंपनी को मैंडेटरी है जो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करेंगे उनको मैंडेटरी है द कंपनी डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड मस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव लैंड टू टेक अप कंपेंसेटरी अ फॉरेस्ट तो कंपेंसेटरी है बट वो किस पे कंपनी पे जो उस फॉरेस्टेड एरिया में समझ लो अगर उनका कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उनके लिए है वो कि जितना लैंड वो यूज करेगी उससे डबल बोलो या जो भी होगा तो उनको अदर एरिया में उतना फॉरेस्ट जनरेट करना होगा अगर नहीं कर पा रहे तो वो फंड देंगे उतना पैसा वो देंगे उसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट जैसे कि वो कुछ आ, पर हेक्टर समथिंग लास्ट टाइम फाइव लाख के आसपास कुछ थी अब ये चेंज होते रहता है ये डेटा बट फाइव लाख के आसपास पर हेक्टर कुछ था कि जो उसको लगाना फिर मेंटेन करना ये सारी कॉस्ट निकाली जाती है और जो भी फंड जमा होगा डिफरेंट कंपनी के द्वारा वो टेन परसेंट फिर नेशनल फंड में रहेगा और नाइन्टी परसेंट वो स्टेट को दिया जाएगा और मोस्टली स्टेट ही ये काम करेगा कि वो फॉरेस्ट को लगाए मेंटेन करे वो सारी चीजें तो कंपनी शुड पे द प्लांट न्यू ट्रीज इन द अल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइड टू द स्टेट इसको कहते हैं कैंपा का मेन है तो इसलिए कभी अगर कोई डेवलपमेंट भी होती है तो भी हम उतना फॉरेस्ट मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे इट और ये फंड जो है तो वो पब्लिक अकाउंट में फंड जमा होता है फिर बाद में ये रिलीज किया जाता है तो बिल्कुल याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है यूपीएससी ने भी पूछा है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट चलो और कुछ है यहाँ तक कुछ डाउट है किसी का देन नेक्स्ट इज सें जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका हेडकोार्टर कोलकाता ये ब्रिटिश टाइम से है काफ़ी पुरानी है 1916 से है देखो एंड इनका वही है काम क्या है एक्सप्लोरिंग सर्वे ना डिफरेंट सेंसेस वगैरह होते हैं उसके रिलेटेड या हमने देखा आई में आई को जो डेटा प्रोवाइड करना है हमारे इंडिया में जो भी एनिमल्स है उनके नंबर्स का डेटा वगैरह है ना उसके प्रिपरेशन में मदद करना ये सारा काम जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च रिलेटेड टू फाउना बट ये सिर्फ फाउना रिलेटेड है जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फोना सॉरी फ्लोरा रिलेटेड कौन है फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर सेम कोलकाता में आता है एटीन नाइनटी उसका इस्टेबलिशमेंट ईयर है और वो डिफरेंट प्लांट रिलेटेड रिसोर्स प्लांट का डेटा रखना फिर उनकी लेवल क्या है कितने इंडेंजर्ड है उनसे प्लांट स्पीसीज कंजर्व कर सकते हैं जीन बैंक कैसे होता है ना ये सारा फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है देख आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यह भी सर्वे है तो कोई एक्ट के अंडर नहीं है बिल्कुल भी नहीं है याद रखें चाहे वो जोलॉजिकल हो बॉटनिकल हो या फॉरेस्ट सर्वे हो ये इंडिपेंडेंट आएंगे राइट तो मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट के अंडर हम देख सकते हैं या हाँ इस इसको हम ले सकते हैं थोड़ा फॉरेस्ट एक्ट के अंडर है मतलब वैसे तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन के अंडर हम थोड़ा सा इसको उसके पैटर्न के अकॉर्डिंगली उसके एक्ट में जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली हम उसका फॉरेस्ट सर्वे निकालते हैं राइट तो फॉरेस्ट एक्ट 1980 थोड़ा सा यहाँ पे याद रखें तो सब कुछ सब जानते हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट के अंडर आएगा इसका भी हेडक्वार्टर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है देहरादून में है नाइनटीन से है इनका काम क्या है तो इंडिया में जो फॉरेस्ट काउंट करने का काम है उसका सर्वे करने का काम है वो करता है एफ एवरी टू ईयर को वंस इन अ टू ईयर इसलिए इसको क्या कहा जाता है बाइनियल रिपोर्ट है ना इसलिए इसको क्या कहते हैं हम बाइनियल रिपोर्ट दो साल में एक बार निकाला जाता है तो डिफरेंट सैटेलाइट के डेटाज वगैरह वो कैरी आउट करके फिर ये रिपोर्ट निकाला जाता है और यहाँ पे हेड कौन होता है एफएसआई का डायरेक्टर जनरल हु इज एन इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर ठीक है इसके हेड कौन होते हैं डायरेक्टर जनरल हु इज एन इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर है ना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होता है आई ऑफिसर जो होता है वो इसके हेड रहेंगे तो दो साल में एक बार फॉरेस्ट सर्वे हम करते हैं जैसे 2019 का कुछ आप जानते हो कुछ डेटा निकला था तब हमारा फॉरेस्ट जो था 24.56 परसेंट के आसपास कुछ था और अभी हमारा नंबर जो देखो यहाँ पे ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट के आसपास आपको नंबर दिख रहा है अभी ट्वेंटी ट्वेंटी टू का न्यू रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू परसेंट हमारा फॉरेस्ट है बाकी टॉप कंट्रीज टॉप स्टेट्स में अगर देखोगे तो एरिया वाइज टॉप है एम अरुणाचल प्रदेश वो सेम है पहले दो भी याद रखो तो भी चलेगा एंड परसेंटेज वाइज टॉप कहाँ पर कौन आता है मिजोरम फर्स्ट है एंड सेकेंड इज द मिजोरम फर्स्ट एंड सेकेंड इज द ये परसेंटेज वाइज सेकेंड इज द अरुणाचल प्रदेश है ना तो ये थोड़ा सा डेटा देख लेना यहाँ पे स्टेट विद द हाइएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर तो इसमें फर्स्ट कौन आता है अरुणाचल प्रदेश ओके सॉरी एक मीटा एक मीटर इसमें ठीक है हाँ यहाँ पे वही मैंने बोला कि पहला कौन आएगा अपना एमपी है देखो हाँ तो फर्स्ट है एमपी सेकंड अरुणाचल ओके सेम ऑलमोस्ट वही रैंकिंग है ये 2021 रीसेंट रिपोर्ट का मैं बात कर रहा हूँ एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हु इज़ द फर्स्ट मिज़ोरम लगभग मिज़ोरम का एट्टी फाइव परसेंट के आसपास जो एरिया है वो फॉरेस्टेड बाकी पंद्रह परसेंट उनका पॉपुलेशन सेटलमेंट सेकेंड फिर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भी कॉमन है तो चाहे एरिया वाइज हो या परसेंटेज वाइज हो सेकेंड इज द अरुणाचल प्रदेश ओके बाकी फिर नॉर्थ ईस्ट ही मतलब टॉप फाइव में लगभग सभी अगर देखो तो नॉर्थ ईस्ट ही दिख रहा है मिजोरम अरुणाचल मेघालय मणिपुर एंड नागालैंड वॉट इट एवरी वन परसेंटेज वाइज हाँ परसेंटेज वाइज ठीक है बाकी ये देख लो अभी के लिए कितना नंबर है ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू अगर टोटल फॉरेस्ट कवर पूछते हैं तो ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन वन बट इंक्लूडिंग ट्री कवर जो आइसोलेटेड है ना यहाँ वहा ट्री हो गया आउट ऑफ फॉरेस्ट वो पकड़ के अगर देखो तो ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू जो कि पहले था ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स तो बहुत कुछ ऐसा राइज नहीं हुआ है दो साल में नॉर्मल राइज इस तैयार ठीक है तो चलो तो मुझे लगता है आज के लिए तरह सफिशेंट है थोड़ा बहुत अगर बाकी होगा तो डेफिनेटली वी विल कवर दिस एज सुन एज पॉसिबल एंड वैसे तो मैंने सभी ऑलमोस्ट कवर किया है और यस yes, जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है दे यस कैन यूज़ दिस कोड सुमित के लाइव आज आ, दो दिन मतलब एटीन तक कुछ फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है तो लास्ट ऑफर है फिफ्टी परसेंट ऑफ की जो है तो वो कुछ अट्ठारह तारीख तक है सत्रह अठारह तारीख तक है वो ज़रूर देखें यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन एंड जिन्होंने प्रीवियस सेश नहीं किए प्लेट में जाकर जरूर एक्सेस करना ऑल टाइगर रिजो ऑल पी वाई क्यू रिलेटेड टू एनवायरमेंट एग्रीकल्चर ऑल बाइस रिजर्व ऑल एलिफेंट रिजो ऑल रामसर साइट्स है या ऑल नेशनल पार्क स्टेट वाइज का एक प्ले लिस्ट है तो ये सारा आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा ये सारे पॉइंट्स या आप सीधा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ना दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल सुमित सर नोट्स ओके जहाँ पर आप सिंपल टेलीग्राम पर टाइप कर लेना आपको यहाँ पे नोट्स पर मिल जाएंगे डिफरेंट ओके चलो तो आज के लिए इतना सफिशियंट है ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन आई होप सबको अच्छा रहा सेशन एक रैपिड रिविजन सबके लिए अच्छा रहा काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन आज हमने देखे बस एक दो इंडिया के रिलेटेड दो चार अगर बाकी होगी तो वो ज़रूर हम जल्दी कवर करेंगे उसको ठीक है चलो थैंक यू थैंक यू एवरीवन यस यस गुड एवरीवन एंड यस प्लीज़ लाइक द वीडियो आल्सो एंड शेयर योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स ओके नॉट लाइव चैट बॉक्स इन कमेंट बॉक्स ओके और जो भी आपके नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको लगता है सर प्लीज़ हमें यह भी सेशन चाहिए तो प्लीज टेल मी योर रिक्वायरमेंट्स इन कमेंट बॉक्स ओके सो दैट मैं कोशिश करूंगा कि उसको नेक्स्ट टाइम जरूर ऐसे वीडियो